तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् हस्ति स्वस्तरुणीकराग्रविगलत्कल्प प्रसूनाप्लुतम् वस्तु प्रस्तुतवेणुनादलहरी निर्वाण निरव्याकुलम् स्रस्त स्रस्त निबद्धनि विविलषत् गोपी सहस्त्रावृतम् हस्तन्यस्तनतापवर्गमखिलो दारं किशोराकृति कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसः प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तये कण्ठावरोधनविधो स्मरणम् कुतस्ते वंशी विभूषित करानवनीलदाभा पीतांबरादरुण बिंब फलाधरोष्ठा पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हे राधे वृषभानुभूपतनये हे पूर्णचन्द्रानने हे कान्ते कमनीय कोकिल रवे वृंदावनेधीश्वरी हे मत प्राण परायणे चरसिके हे सर्वयुथेश्वरी आगत्य प्रपत्य मनुष्यं मां दीनमानन्दये जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चितचोर प्रभु जय जय Oh,
वृंदावन के राजा दोनों श्याम राधिकाने वृंदावन के राजा दोनों श्याम राधिकाने पदारथ करत मजूरी मुक्ति भरे ता पानी श्री राधा वृंदावन बिहारी लाल की जय श्री राधा रमण लाल की जय श्री राधा वल्लभ लाल की जय श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय श्री गोवर्धननाथ की जय गिरिराज धरण की जय सब संतन की जय सब भक्तन की जय 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय रज रानी की जय रस रानी श्री राधा रानी जय जय श्री राधे प्यारे गिरधर लाल की जय हरि शरणम पर मंगल में प्रात प्रखिलेश्वर अकारण करुणा वृणालय भक्तवांछा कल्पतरु तड़िद्वित विनिंदित पीताम्बरधारी प्यारे श्री गिरधर लाल के हृदय स्वामिनी श्री राधिका को बारंबार प्रणाम। उपस्थित विप्रवृंद गंधर्वजन एवं आप सभी नागपुर के सखा सखी मंडली सबको मेरा बहुत बहुत जय श्री कृष्ण जय श्री राधे। आज परम सौभाग्य है कि श्री किशोरी जी के स्मरण में प्यारे गिरधर लाल के नेतृत्व में हम आप सब लोग महाराष्ट्र के मध्य में विराजमान भारत के मध्य में विराजमान नागपुर और उस नागपुर में भी छुपा हुआ वृंदावन इस वृंदावन को बारंबार प्रणाम। वृंदावन कहूं कि बरसाना कहूं दोनों भाव है, लेकिन हम जिसे वृंदावन मानते हैं ना, अब हमें लगता है केवल यही वृंदावन है। नहीं, वृंदाव भगवान श्री कृष्ण का नाम है, ठाकुर जी का नाम है वृंदाव।
और वृंदाव जहां तक गौचारण करते हैं वो सब वृंदावन है। श्री गोवर्धन भी वृंदावन में आता है, श्री बरसाना भी वृंदावन में आता है, नंदगांव भी वृंदावन में आता है, गोकुल भी वृंदावन में आता है। देखा जाए संपूर्ण ब्रजमंडल का नाम ही वृंदावन है, ये सब वृंदावन है। ऐसे इस नागपुर के छुपे हुए वृंदावन को प्रणाम। आज अनंत सौभाग्य है, नागपुर में वो हुआ जो हमने कभी विचार नहीं किया। आज हमारो लाला घोड़ा पे बैठ गयो, घोड़ी पे बैठ गयो, सुंदर व्याहुला सुबेरे ठाकुर जी का हुआ राधा निवास पे। ये समधी जी और हमारी समधन कितनों अंतर है देखो। यही प्रेम है, जहां पर देहाभिमान की शून्यता, ना कोई उम्र, ना कोई जात, ना कोई पात, ना स्वरूप, ये सब जहां नष्ट हो जाते हो वही वृंदावन है। ठाकुर जी की रास की भूमिका में पहले भी चर्चा में मैंने कहा कि वहां पर गोपियों की उम्र यदि पूछी जाए तो 5 वर्ष से लेके 90 वर्ष तक की गोपी थी ठाकुर जी के रास में। और क्यों ना हो, वो समय द्वापर का था, तब लोग 1000 वर्ष जीते थे, 90 तो भी कम बोल रहा हूं मैं, 100-150 वर्ष की गोपियां ठाकुर जी के साथ में रास विहार कर रही हैं। क्यों? यही तो वृंदावन रस है, जहां पर कोई आयु का भाव नहीं है और किसी वस्तु का भेद नहीं है। बंधुओं, जैसे हमें सुख प्रदान करने के लिए, हमें आनंद देने के लिए इस निश्वर संसार में, इस दुखालय में, भागवत में संसार को क्या कहा गया? दुखालय। इस दुखालय में आनंद का अनुभव कराने के लिए, आनंद का स्पर्श कराने के लिए, आनंद सागर में हम सबको डुबाने के लिए कृष्ण का प्रादुर्भाव हुआ। ठाकुर जी इस धराधाम पर पधारे हम सबको आनंद प्रदान करने के लिए। लेकिन जब ठाकुर जी इस धराधाम पर पधार रहे थे तो मनी मन विचार कर रहे थे, मैं सबको देवे जा रहा हूं, मोकू सुख कौन देगो, मोकू आनंद कौन देगो, मोकू रस कौन देगो, मोकू या आनंद सागर में कौन डुबावेगो, मेरे सुख को कौन विचार करेगो। मैं सबके सुख को विचार करके या धराधाम पर जा रहा हूं, लेकिन मेरे वास सुख को विचार कौन करेगो। तो ईश्वर कौन है? कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ ईश्वर। बहुत ध्यान से सुनिए, ठाकुर जी जब वैकुंठ में विराजित होकर के कोई चिंता करते हैं या कोई चिंतन करते हैं या कोई भाव अपने हृदय में धारण करते हैं, तो भाव धारण करने पर उनको वो क्रियान्वित करना नहीं पड़ता, उनके जहन में आने वाला भाव अपने आप क्रियान्वित हो जाता है। जैसे कि भागवत में वर्णन है, ठाकुर जी जब सो करके उठते हैं तब कुछ नहीं होता, ब्रह्मांड का सृजन नहीं होता, तब ठाकुर जी अपने मन में विचार करते हैं, एको हम बहुश्याम, मैं एक हूं, अब बहुत होना चाहता हूं। तब कथा आती है, नाभि में से अपने आप कमल प्रकट हो जाता है, उस कमल पर अपने आप ब्रह्मा प्रकट हो जाते हैं, ब्रह्मा अपने आप सृजन करने लग जाते हैं। मतलब उनका चिंतन मात्र क्रिया को क्रियान्वित कर देता है, हमारी आपकी तरह करना नहीं पड़ता। ठाकुर जी को करना कब पड़ता है? जब वही ठाकुर जी इस धराधाम पर आते हैं, तब उनको अपनी इच्छा पूर्ति के लिए कोई ना कोई लीला करनी पड़ती है। लेकिन जब वे वैकुंठ में विराजित होते हैं तो उनका चिंतन ही उनकी इच्छा की पूर्ति करता है। ठाकुर जी ने मन में विचार किया, सबको सुख देवे के काजे मैं तो जा रहा हूं, सबको आनंद में डुबावे के काजे मैं तो जा रहा हूं, मेरी चिंता कौन करेगो, मोकु सुख कौन देगो, मोकु आनंद कौन देगो। बस ये चिंतन मात्र किया है, तभी ठाकुर जी का प्रतिबिंब सामने, वहां ठाकुर जी के स्वरूप में ही मानो श्री किशोरी जी प्रकट हो गए। और
ठाकुर जी को सुख देवे के काज, पूरे विश्व के आत्मा को प्रसन्न करें ठाकुर जी, और ठाकुर जी की आत्मा को प्रसन्न करें श्री किशोरी जी। इसलिए किशोरी जी के भाव में सबको प्रवेश नहीं मिल पाता। बहुत ध्यान से सुनिएगा, किशोरी जी की लीला में, किशोरी जी के भाव में, किशोरी जी के चिंतन में सबको प्रवेश क्यों नहीं मिल पाता? इसीलिए नहीं मिल पाता क्योंकि वे हमारे लिए आई नहीं है धराधाम पर। उनका प्रादुर्भाव तो लाल जी को सुख देने के लिए हुआ है। क्या समझ में आया? तो फिर किशोरी जी को यदि जानना हो, किशोरी जी के भाव में यदि प्रवेश करना हो तो कौन कर सके? जा पर लाल जी की इच्छा हो, जहां पे लाल जी रीझ जाए, जहां पे ठाकुर जी करुणा कर दें, वो किशोरी जी के श्री चरणन को प्राप्त कर सके। ठाकुर जी की प्राप्ति बहुत सहज है, लेकिन किशोरी जी की प्राप्ति सहज नहीं। ऐसा हो है सके, मैं 2-3 दिन से, जब से यहां श्री किशोरी जी की चर्चा के लिए आया हूं, रात भर चिंता करता हूं। क्यों? मुख पे तो कन्हैया ही बैठो रे, उन्हीं का ही चिंतन चलता रहता, उन्हीं के भाव। और दूसरी बात, हमारी सेवा भी बाल भाव की। अब बाल भाव की सेवा में रास को विचार करना बड़ो कठिन होवे, क्योंकि पुष्टि में तो बाल की सेवा, लेकिन मैं चिंतन करता रहूं। लेकिन आज के चिंतन में ये भाव आयो कि ठाकुर जी 3 वर्ष के है गए, 3 वर्षन से अपनी सेवा करवा रहे, भागवत की सेवा भई, किशोरी जी के भाव को कहवे को इतनो वृहद कहने को अवसर नहीं मिलो। 3 वर्षन की सेवा के पश्चात अब ठाकुर जी को मोह लगे, ऐसो लगन लगी कि भैया ये किशोरी जी के भाव में प्रवेश करने लायक नेक नेक है गयो है, तो याकू नागपुर से ही प्रवेश करवाओ। उनने अब कृपा कर दी है, तो अब किशोरी जी के भाव में थोड़ी थोड़ी गति, थोड़ी थोड़ा प्रवेश, थोड़ा थोड़ा भाव आना धीरे धीरे प्रारंभ हो रहा है। बाकी हम ब्रजवासी हैं, श्री राधा रानी के पग पग पे प्रयाग जहां, केशव की केल कुंज कोटि कोटि काशी है, यमुना में जगन्नाथ रेणुका में रामेश्वर, तरु तरु पे पड़े रहत अयोध्या निवासी हैं, गोपिन के द्वार द्वार हरिद्वार बसत जहां, बद्री केदारनाथ फिरत दास दासी हैं, स्वर्ग अपवर्ग लेकर करेंगे हमका जान लो हमें, हम वृंदावन वासी हैं। हम तो किशोरी जी के नित्य सखा हैं, उनकी नित्य कृपा हम पर बनी रहवे है। ऐसी श्री श्यामा जी, उनके भाव को श्रवणार्थ हम आप सब लोग एकत्रित भए हैं, और ये नागपुर का गोपनीय वृंदावन, इस वृंदावन की स्केल कुंज में ये सुंदर भाव प्रकट, और लाल जी विराज रहे हैं आनंद से। आज सहरा पहनो ठाकुर जी ने, आज ब्याह करके आ रहे हैं बिल्कुल, और घोड़ी पर बैठे। मैंने तो पहली बार कभी चिंतन स्वप्न में भी नहीं सोचो मेरे लाला कभी घोड़ी पर बैठे हो, आज घोड़ी पर बैठो। आज ठाकुर जी को क्या क्या बताएं, सब ब्याहुला सुन करके आ रहे हैं, बिल्कुल ब्याह करके आ रहे हैं। ये सब किशोरी जी की कृपा है। श्री किशोरी जी के भाव में रास में जब ठाकुर जी और समस्त गोपांगनाएं प्रवेश करती हैं, तो भागवत में ऐसा वर्णन है, बहुत देर तक ठाकुर जी उन गोपियों से चर्चा करते रहते हैं, रास नहीं करते। जबकि रास के लिए आमंत्रण था, शरद पूर्णिमा का चंद्रमा उदयमान हुआ है, तो अब रास में प्रवेश करना था, लेकिन ठाकुर जी ने अभी तक रास में प्रवेश नहीं किया। गोपियों के सामने बैठ करके उनसे पूछते हैं कि आप सब यहां क्यों आई हो, ब्रूता गमन कारणम, अपने आने का कारण हमें बतलाइए कि आप इतनी रात्रि में यहां क्यों आई हो।
तब ठाकुर जी वहां पतिव्रता नारी का धर्म समझाते हैं। तत्पश्चात गोपियां फिर प्रणय गीत गाती हैं और प्रणय गीत गाते हुए ठाकुर जी से बहुत सुंदर बात कहती हैं। मैवम विभोर हति भवान कदि तुम शमशम संत्यज्य सर्व विषयां स्तव पादमूलम् भक्ता भजस्व दुर्वग्रह मां त्यजास्म देवो यथादि पुरुषो भजते मुमुक्षु। बहुत अच्छी बात कहती हैं यहाँ पे गोपियां। कन्हैया आप हमसे पूछ रहे हो कि ब्रूतागमन कारणम, अपने आने का कारण बताओ। हमारे आने का कारण केवल इतना है कि भात जब बनकर के तैयार हो जाता है ना तो उसको तुरंत भोक्ता के सन्मुख प्रस्तुत कर देना चाहिए, नहीं तो भात की शोभा नहीं होती। ऐसे ही भक्त जब संसार के समस्त प्रकार के तापों में तप करके जब भक्त बन जाता है ना तो उसको ठाकुर जी के सन्मुख प्रकट हो जाना चाहिए, ठाकुर जी के सन्मुख आत्मनिवेदन कर देना चाहिए, पूर्ण समर्पण कर देना चाहिए। लेकिन बात यही खत्म नहीं होती कन्हैया, बात तो ये है ना कि भात बनाने वाला जानता है कि भात कितनी मेहनत से बना, भोक्ता थोड़ी जानता है। ऐसी भक्त जो बना है वो जानता है कि मैं कितनी मेहनत से बनाऊं, भगवान थोड़ी जानता है कि भक्त कितनी मेहनत से बना है। भात खाने वाला तो केवल दाल मिला करके शक्कर डाल के घी डाल करके खा जाता है। ऐसी कन्हैया तुम हो, तुम्हें क्या पता हम कितनी पीड़ा सह करके भक्त बनी है। आप कहते हैं गीता में अर्जुन से सब छोड़ के मेरी शरण में आ जाओ, और हमने वही किया। संत्यज्य सर्व विषयां स्तव पाद मूलम, हम सब छोड़ करके तुम्हारे श्री चरणों में आई हैं। और अब तुम कह रहे हो कि क्यों आई हो, क्योंकि तुम भगवान हो ना, तुमको नहीं पता भक्त कितनी श्रम से बनता है, भक्त कितनी मेहनत से बनता है। ठाकुर जी खड़े खड़े मुस्काते हैं। तब गोपियां एक बहुत सुंदर बात कहती हैं, कन्हैया तुम चाहते हो हम वापस लौट जाएं, हम चली जाएंगे, लेकिन हमारी एक वस्तु तुम्हारे पास है वो हमको दे दो। क्या? चित्तम सुखेन भवता ग्रहितम ग्रहेषु पहितम ग्रहेषु। गोपियां कहती हैं कि हमारा जो मन तुम्हारे पास है, जो चित्त तुम्हारे पास है, वो हमको वापस कर दो। तुम हमारा मन वापस कर दो, हम अभी चली जाएंगी, लौट करके नहीं आएंगे। क्योंकि मन के बिना वापस जाएंगी तो किसी भी कार्य में हमारा गति नहीं होगी, हमारा मन नहीं लगेगा। सब पूछेंगे क्यों नहीं कर रही काम, तो हम कहेंगे मन नहीं है। मन कहाँ है? कन्हैया के पास। हम अभी चली जाएंगी घर सब छोड़ छाड़ के, हमारा मन दे दो। पूर्ण शरणागति इसी को कहते हैं, चाहे किशोरी जी के चरणों में हो, चाहे ठाकुर जी के चरणों में हो। तन की सेवा, भाव की सेवा, धन की सेवा, अन्य सेवाएं सब गौड़ हो जाती हैं, मन की सेवा विशेष है। मन की सेवा के प्रति विशेष भाव है। मन हमारा आपके पास है, वो हमें वापस कर दो, हम अभी चली जाएंगे। ठाकुर जी जब ये बात सुनते हैं तब मनी मन बड़े प्रसन्न होते हैं और प्रसन्न होकर के कहते हैं, हे गोपियों, मैंने आपको रास के लिए आमंत्रित किया, अभी रास का समय है, इतनी देर से हम चर्चा कर रहे हैं, मैं आपकी परीक्षा ले रहा था, आप परीक्षा में पास हो गए, लेकिन वास्तव में मैं इतना विलंब क्यों कर रहा हूँ रास करने में? क्यों? बोले जैसा आपका मन मेरे पास है ऐसे ही मेरा मन भी कहीं और है, जब तक वो नहीं आएंगी रास में तब तक रास कैसे प्रारंभ होगा। अभी रास का केवल स आया है, मतलब श्याम आ गया है, लेकिन श्री राधा रानी तो नहीं आई ना। राधा और श्याम दोनों मिले तो हूं तभी तो रास प्रारंभ होगा। तब श्याम सुंदर पुकारते हैं किशोरी जी को, हे श्याम,
आप जहां कहीं भी हैं, उसी का श्लोक में मंगलाचरण में गाता हूं। हे राधे वृषभानुभूप तनये, हे पूर्ण चंद्रानने, हे कांते कमनीय कोकिल रवे वृंदावने धीश्वरे, हे मत प्राण परायणे च रसिके, हे सर्वयूथेश्वरी आगत्य त्वरितम प्रपत्य मनीषम, जल्दी आओ आकर के इस पूरे रास की शोभा को बढ़ाओ किशोरी जी, तभी रास प्रारंभ होगा। जब ठाकुर जी पुकारते हैं श्री किशोरी जी को और उन असंख्य सुंदरी गोपियों के मध्य से, जैसे मानो सूर्य सामने से चल करके, जैसे मानो चंद्रमा सामने से चल करके आ रहा हो, तब ठाकुर जी के सन्मुख किशोरी जी का प्रादुर्भाव होता है, तब रास प्रारंभ होता है जब किशोरी जी आ जाती हैं। रास क्या है? जहां एक साथ बहुत सारे भक्त मिलकर के ठाकुर जी का चिंतन कीर्तन स्मरण भजन करें, वही रास है। लेकिन उस रास में हम आप सब लोग नृत्य कर रहे हैं, ठाकुर जी कब नृत्य करेंगे? जब किशोरी जी पधारेंगे। बिना किशोरी जी के आगमन के रास की भूमिका नहीं बनती। उन किशोरी जी की कृपा से ही श्रीधाम वृंदावन को रास का सुख प्राप्त होता है। वे किशोरी जी पधारती। कल रात्रि में एक भाव सुनाया मैया को, आज ठाकुर जी का ब्याह भयो तो वहां में रास भयो, तो वही रास को भाव कहकर के तो आज के प्रसंग सुने। किशोरी जी रास में पधारी हैं और समस्त गोपांगनाओं के साथ में, समस्त गोपांगनाओं के मध्य में श्यामाजू और श्यामजू दोनों रास विहार कर रहे हैं। इतनो सुंदर भाव। हो बन नाचे नटनी को वाली, नंद को किशोर, राधे जगत नचायो तेरी बहु की मरोड़, राधे जगत नचायो तेरी बहु की मरोड़। गाइए हो बन नाचे नटनी को वाली, नंद को किशोर, बन नाचे नटनी को आली, नंद को किशोर, नाचे नटनी को आली, नंद को किशोर। एक कथा याद आ रही है। किशोरी जी एक दिन समस्त सखियों के संग बैठी, स्वर्ण जड़ित सिंहासन पर किशोरी जी बैठी, सब सहचरियां आकर के किशोरी जी की जय जयकार करें, वृषभानु नंदिनी की जय हो, बरसाने वारी की जय हो, हे कीर्ति दुलारी की जय हो, जो भी भाव किशोरी जी के प्रकट हो सबसे जय जयकार करें किशोरी जी। लेकिन आज प्रसन्न नहीं है, मुख मुरझाई बैठी हैं। तभी समस्त सखियन ने बोली, हे किशोरी जी कहा भयो, आपके चेहरे पर ये शुष्कता, आपके चेहरे की ये जो गंभीरता, या से ऐसा लग रहा है कि आपके मन को भाव कछु है करने को, आप कर नहीं पा रही हो, आज्ञा करो, हम सब सहचरी बैठी हैं यहां पर, आप जो आज्ञा करोगे पूर्ण करेंगे। किशोरी जी बोली, मुझे आज श्याम सुंदर की याद आ रही है। ललिता विशाखा बोली, बात चोर है क्यों ना निकाल दे तुम अपने दिमाग में, 24 घंटा भैया याद करती रहो, कहा है वहां में ऐसो, चोरी करतो फिरे टेढ़ी सी चाल चले, मुकुट टेढ़ो पहने, पूरी दुनिया सीधो मुकुट पहने, वो टेढ़ो मुकुट पहने, नहातो धोतो होगो, हमें तो बाप में संशय ऐसो रे वाक्य। तो किशोरी जी बोली, आप ऐसे मत बोले करो, मुकु श्याम सुंदर को बहुत स्मरण है रो, वे कैसी बंसी बजामे, कैसो सुंदर श्रृंगार करें, कैसी चाल चलें, कैसे मोर पंख लहरावे, कैसी सुंदर बेनी गूथ के आमे, उन सबको स्मरण करके आज मुकु उनकी बड़ी याद आ रही है। सब सखी बोली, तो कहा करनो है? बोले करनो कछु ना है, श्याम सुंदर के पास एक गुण है जो गुण मुंह में ना है,
कैसो गुण? बोले कन्हैया नृत्य बहुत अच्छो करे और मेरो मन कर रहे हो कि मैं कन्हैया से नृत्य सीखूं जाके। वहां से दो भाव होंगे, कहा पहले तो श्याम सुंदर को देखवे को मिलेगो और दूसरा मैं नृत्य भी सीख जाऊंगी। सभी सखी बोली वाह मैं कहा हम सिखा देंगी तुम्हें, तुम जैसे कहोगी वैसे नृत्य तुम्हें सिखा देंगे। बंधुओं ये कुंज की लीला नहीं है, ये निकुंज की लीला है। यहां पर सखाओं का प्रवेश नहीं है, यहां पर ग्वाल बालों का प्रवेश नहीं है, वृंदावन का भी प्रवेश नहीं है। यहां पर केवल किशोरी जी श्यामाजू और सखियां उनका ही प्रवेश है। सब किशोरी सब सखियां बोली श्यामाजू ये तो हम सिखा देंगे आपको। किशोरी जी बोली नहीं आप सब बढ़िया नृत्य करो लेकिन मुख तो कन्हैया से ही सीखना है, वो जैसो नृत्य करें वैसो ही सीखना है। सब सखी बोली तो चलो आज नंदगांव ही चलें, कन्हैया ते हम तो देख के आमे कितना बढ़िया नृत्य करे। हाँ भाई रथ मंगवाओ, किशोरी जी के चमर डोरावे बारे मंगवाओ, सुंदर जय जयकार करते हुए चमर डोराते भय इत्र छलकाते भय और रथ में बैठकर के किशोरी जी को लेकर के जाएंगे नृत्य सीखवे जा रही हैं। किशोरी जी बोली नृत्य सीखवे जा रही हूँ, सिखावे नहीं जा रही, सीखवे जामे तो सामने वालों को सम्मान देना पड़े, वाकु गुरु रूप मानना पड़े, मैं तो पैदल जाऊंगी और कोई ना चाहिए चमर डुराए वारो, कोई ना चाहिए इत्र छिड़कावे वारो, गुलाब जल छिड़का तो चले और ये सब नहीं, मैं तो सहज भाव से जाऊंगी। ललिता विशाखा बोली अच्छा ठीक है चलो फिर। किशोरी जी बोली नहीं तुम लोग भी नहीं जाओगी, मैं अकेली जाऊंगी। क्यों? तुम मां खड़ी खड़ी कन्हैया के चाल ढाल रूप माधुरी और वाके सबरे गुणन पे ही तुम आक्षेप करती रहोगी या मारे तुम मत चलो, श्रम होगो मेरे लाल को, मैं अकेली जाऊंगी। बोली कभी ना भेजेंगी अकेली, हम आपकी सहचरी हैं, आपके सुख को विचार करें लेकिन हमें ध्यान भी रखना पड़े कि आपके संग कोई अनहोनी है गई तो मेरे संग कहां अनहोनी होगी। अरे बहुत बड़ा चोर है वो कन्हैया, कहीं आपको कोई आभूषण चुरा लियो, कहीं आपकी कोई वस्तु चुरा ली, कहीं कछु आपको कछु धल लियो तो। श्यामा जी बोलू देख तू अपने मन ते ना मेरे मेरे श्याम सुंदर के काजे ये दुर्भावना निकाल दे, वो चोरी क्यों करे मैं सब जानू और वो चोरी ऐसी कोई वस्तुन की चोरी ना करे, माखन की चोरी करे। सब सखी बोली तुम कितने हो क्यों, देखो हम आपकी हर बात मान रही हैं, रथ नहीं भेज रही, चमड़ डोराई वारी नहीं भेज रही, बाकी सब व्यवस्था सब हमने हटा दी। अंत में आपने कही कि आप अकेली जाओगी, हम बाबात को भी राजी हैं लेकिन एक बात आपको हमारी माननी पड़ेगी। किशोरी जी बोली कहा आरी विशाखा, विशाखा आ गई लिख, कहा लिखनो है? बोले जितने आभूषण पहन के जा रही है सब लिखो, कानन में कुंडल पहने हैं, कुंडल में कितने मोती, मोती में कितने हीरा, वो सब लिखती जा रही हैं। वाको कछु पतो ना है कहीं कानन के हीरा ही निकाल लियो तो। किशोरी जी बोली मैं बड़ी परेशान इनते, ये कब समझेंगे श्याम सुंदर के स्वरूप को। हाँ कानन में कुंडल है, सिर पर सुंदर झुमका सोए है, नाखन में नतनी पहनी है, गले में हार पहने हैं, सुंदर सुंदर हार पहने हैं, हाथन में गज के दंत के बने हुए कड़ूला पहने हैं और वही गज के दंत के बने हुए कड़ूला के बगल में गज की प्रच्छ के बालन के कड़ूला पहने हैं कि किशोरी जी को नजर नहीं लगे। सब पूरे अंग को लिखो, हाथन में मुद्री पहनी है, कहा का कछु साहब लिख लियो। किशोरी जी बोली अब मैं जाऊं? बोले जाओ जल्दी आ जाइयो, ज्यादा देर मत करके आइयो। किशोरी जी बोली ठीक है। किशोरी जी जा रही हैं आज नंदगांव, अकेली जा रही हैं, संग में कोई नहीं है। ठाकुर जी एक कदम वृक्ष के नीचे बैठ करके गौचारण करने गए हैं और अपनी वंशी को बजावे को प्रयास कर रहे हैं, कछु कछु राग बजा रहे हैं। इतने में ही ठाकुर जी के मुखमंडल पर मानो जैसे कभी आरसी के सामने
सूर्य की किरण से दूसरे को प्रकाशित किया जाए, समझे? कभी सूर्य की रोशनी घड़ी पे पड़ जाए तो घड़ी में से एक प्रकाश निकल के एक निकले ना, ऐसी मानो ठाकुर जी के मुखमंडल पर कोई आरसी को प्रतिबिंब आरसी की रोशनी आकर के ठाकुर जी के आंखन में थोड़ो ने श्रम जैसो कर रही है। ठाकुर जी बोले, कहां तैयार हो भाई? जैसे ही देखी वृषभानु जा ही अभी उठी है हूक, वंशी रह गई हाथ में फिर ना लागी फूक। ठाकुर जी ने जैसी देखी, अरे 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 वाह धन्यवाद, हमारे आज वृषभानु नंदिनी पधारी हैं, किशोरी जी आ रही है। ऐसा सुंदर स्वरूप, किशोरी जी के अंग की कांति ऐसी है कि वहां से ठाकुर जी ही प्रकाशवान है जाए। ठाकुर जी ने दूर से ही दंडवत प्रणाम किया। हाँ, और ऐसो ब्रज की लीला में कितनी बार सुनो है, कितनी बार पढ़ो है कि ठाकुर जी जब भी किशोरी जी के सन्मुख जामे दंडवत प्रणाम करें, प्रणाम करके वंदन करके फिर लीला संवरण करें। दौड़ करके गए ठाकुर जी गए, अरे किशोरी जी बड़ी कृपा आप पधारी। किशोरी जी बोली, सहज है जाओ, ऐसे मत रहो, सब सखा सखीन की बात अलग है, अब सहजता से रहो मेरे संग। ठाकुर जी लेकर के आए, किशोरी जी बैठ गई, बैठ करके दोनों श्याम सुंदर और किशोरी जी आपस में चर्चा कर रही हैं। किशोरी जी बोली, ठाकुर जी बोले, श्री जी आज कैसे कृपा भैया दास पर, आपको आगमन कैसे भयो? बोली, मैं कछु मांगवे आई हूं आपसे। ठाकुर जी बोले, कहा चाहिए? बोले कि मोकू आप जैसो नृत्य करनो सिखा दो, आप जैसो नृत्य करो, मयूर बन करके अपने घुटने पर नृत्य करो, मोर पंख पहन करके, और जब आप त्रिभंग लली स्वरूप धारण करके जब वंशी वेणु नाद करते भाई, अपनी वेणु को खोल करके जब आप चलो ना, आपकी सुंदर चाल, आपकी सुंदर ढाल, आपके नैनन के कटाक्ष, आपके हाथन की मुद्रा, उन सबन को देख के मेरा मन करे मैं भी आपके जैसो नृत्य करूं, मुझको नृत्य करना सिखाए दो। ठाकुर जी बोले, नृत्य सीखवे आई हो आप? बोला, अरे किशोरी जी आपको कहा आवश्यकता पड़ गई नृत्य की, हम तो ग्वारियां हैं, हम पे कुछ आवे थोड़ी, हम तो सहज भाव से करें। ना ना, देखो यह बात है, सब जाने कि आप बहुत सुंदर नृत्य करो, अब वाह कृपा को मुंह पे बरसाओ, मुंह को नृत्य सिखाओ। ठाकुर जी बोले, बढ़िया मौका मिला है आज तो, अपने आप चल के पधारी हैं। अरे कन्हैया काय को छोड़े? अच्छा देखो किशोरी जी, मैं सिखा तो दूंगो, लेकिन आपको दो तीन बातों को ध्यान रखना पड़ेगा। बोले, कहा? बोले, पहले तो हाथन की मुद्रा, और दूसरा अपने मुखमंडल की शोभा, वहां पे जरा भी श्रम नहीं दिखना चाहिए, नृत्य करने में कितनों भी श्रम हो मुख पे आना नहीं चाहिए। बोले, अच्छा तीसरी नेत्रन के कटाक्ष, नेत्रन की जो भाव भंगिमा है वा को विशेष ध्यान रखना, भंग नहीं है जाए, भाव बनो रहे। अच्छा, और मैं जैसो जैसो करूं मेरे संग करियो। किशोरी जी बोली, ठीक है। सन्मुख ठाकुर जी खड़े भए और यहाँ तक किशोरी जी देख रही हैं। अब ठाकुर जी उनके सामने रूप धारण करें, कभी मुद्रा धारण करें, नृत्य करें, अब मैं कैसे नृत्य करके दिखाऊं ठाकुर जी की तरह, लेकिन वो नृत्य करें। अब नृत्य को देख करके किशोरी जी प्रयास करें और वही है रो जो ठाकुर जी कर रहे हैं, लेकिन जबरदस्ती गलत कर दें। ठाकुर जी ऐसे नहीं, मैं बताऊं, सो ठाकुर जी आकर के किशोरी जी के हस्त कमल को पकड़े, या को ऐसे धरो, या को ऐसे करो, अब इतको देखो, हाँ ऐसे नृत्य करो। आकाश मार्ग में खड़े हुए देवी देवता सब अनुभव कर रहे हैं किशोरी जी के और श्याम सुंदर के या सुंदर भाव को। हाँ, बन नाचे नटनी को वाली नंद को किशोर, बन नाचे नटनी को वाली नंद को किशोर। नृत्य करते करते किशोरी जी सीख गई, जैसे श्याम सुंदर घूमे वैसे किशोरी जी घूमे, जैसे श्याम सुंदर के हाथन की मुद्रा वैसे किशोरी जी की मुद्रा। आहा, ऐसा सुंदर एक एकाकार महाराज। देखो
रास के बारे में सुनो, महाराज के बारे में सुनो, लेकिन ये निवृत निकुंज को एकाकार रास है रो, केवल श्याम सुंदर और किशोरी नृत्य कर रहे हैं। उबन नाचे नटनी को वाली नंद को किशोर, बन नाचे नटनी को वाली नंद को किशोर, राधे जगत नचायो तेरी पहुंची मरोड़ राधे, जगत नचायो तेरी पहुंची मरोड़ राधे, जगत नचायो तेरी पहुंची मरोड़ राधे, जगत नचायो तेरी पहुंची मरोड़, बन नाचे नटनी को वाली नंद को किशोर, बन नाचे नटनी को वाली नंद को बोल रास राशेश्वर भगवान राधे जगत नचायो तेरी बहु की मरोड़, हे श्यामाजू मोते आप रास सीखवे आइयो, नृत्य सीखवे आइयो, और खुद कैसी हो ब्रगुटी टेढ़ी कर लो तो जगत नृत्य करन लगे, और आप मुझे सीखवे आइयो, सब जानू तुम्हारे मन के भावन में क्यों आइयो, आपको आप सीधे क्यों ना कहो कि मैं बहुत मलूक लगूं तुम्हें, मुकु देखवे आइयो, मेरे आप भावन को जानवे आइयो। आहा किशोरी जी कह रही हैं, मैं कह ना रही लेकिन अब कह दूं, का कह रही हैं, ब्रज के किशोर तो पटार तृण तोड़ प्यारे, ब्रज के किशोर तो पटार तृण तोड़ प्यारे, ब्रज के किशोर तो पटार तृण तोड़ प्यारे, ब्रज के किशोर तो पटार तृण तोड़, सुन मुरली की घोर मेरो मन नाच मोर, सुन मुरली की घोर मेरे मन नाच मोर, सुन मुरली की घोर मेरो मन नाच मोर, सुन मुरली की घोर मन नाच मोर, बन नाचे नटनी को वाली नंद को किशोर, बन नाचे नटनी को वाली नंद को किशोर, राधे जगत नचायो तेरी पहुंची मरोड़ राधे, जगत नचायो तेरी पहुंची मरोड़ राधे, जगत नचायो तेरी पहुंची मरोड़ राधे, जगत नचायो तेरी पहुंची मरोड़, बन नाचे नटनी को वाली नंद को किशोर, बन नाचे नटनी को वाली नंद को किशोर, बन नाचे नटनी को वाली नंद को किशोर, बन नाचे नटनी को वाली नंद को किशोर। किशोरी जी ने ठाकुर जी की बड़ाई कर दी, ब्रज के किशोर तो पे डारू तृण तोड़, कितने प्यारे हो आप, सुन मुरली की घोर मेरो मन नाचे मोर। ठाकुर जी बोले अब इन्हें हमारे काजे इतने बढ़िया शब्द बोले, ने खमऊ कह दे, किशोरी जी जैसे आप अपने हृदय में छुपा के रखो ना भाव, ऐसे मैं हूं रखू। किशोरी जी बोली तो आप भी कहो, आपको कहा लगे हमको देख के, ओ कमल कली को रंग भानु की लली को प्यारे, कमल कली को रंग भानु की लली को
कली को रंग भानु की लली को प्यारे कमल कली को रंग भानु की लली को ओ मुख चंद उदिनी को मेरे नैना है चकोर मुख चंद उदिनी को मेरे नैना है चकोर मुख चंद उदिनी को मेरे नैना है चकोर चंद्र हूँ तेनी को मेरे नैना है चकोर ओ बन नाचे नटनी को वाली नंद को किशोर बन नाचे नटनी को वाली नंद को किशोर ओ बन नाचे नटनी को वाली नंद को किशोर बन नाचे नटनी को वाली नंद को राधे जगत नचायो तेरी बोंकी मरोड़ 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 बन नाचे अष्ट सखाओं का एक बहुत सुंदर पद है, वहां ये भाव वर्णन है कि जब कभी भी श्याम सुंदर किशोरी जी के सन्मुख आते हैं, किशोरी जी श्याम सुंदर के सामने आते हैं, तो दोनों को भाव कैसे हो रहा है, एक तक देखूं पलक झपकते नहीं है, वो एक समय से एक क्षण से कम समय के लिए झपकी हुई पलक भी उनको युगों के समान लगती है। नैन भर देखूं नंद कुमार बिन देखी हूँ विवश भई हूँ रोम रोम प्रतिवार भूल गई परिवार नैन भर देखूं नंद कुमार। किशोरी जी निहार रही हैं, किशोरी जी कह ठाकुर जी बोले ऐसे क्यों निहार रही हो, बोले नैनन में बसा के तुमको भीतर छुपा लूंगी, क्यों कहीं भाग न जाए मेरी मुंदरी को चोर, कहीं आप भाग ना जाओ। ठाकुर जी बोले किशोरी जी कहां जाऊंगा मैं, कहां जाऊंगा, यहां और कौन है जो मुंह को यहां से ले जा सके, कोई भी तो नहीं, मेरा मन तो आपके पास है, मैं आपको ही मन हूं, और मन खुद से कभी दूर जावे। मन श्याम रंग राधे बांध रखो संग प्यारी, मन श्याम रंग राधे बांध रखो संग प्यारी, मन श्याम रंग राधे बांध रखो संग
रंग सारी मन श्याम रंग राधे बांध राखो संग कहां जाएगी पतंग तेरे हाथ में है डोर 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 ओ बन नाचे नटनी को वाली नंद को किशोर बन नाचे नटनी को वाली नंद को किशोर ओ बन नाचे नटनी को वाली नंद को किशोर नचायो तेरी मोह की मरोड़ राधे जगत नचायो तेरी मोह की मरोड़ राधे जगत नचायो तेरी मोह की मरोड़ राधे जगत नचायो तेरी मोह की मरोड़ ओ बन नाचे नटनी को वाली नंद को किशोर करते किशोरी जी को श्रम हो गई। ठाकुर जी ने तीन चीज पर ध्यान देने के लिए कहा था। पहली चीज क्या? पहली चीज हाथों की मुद्रा, दूसरी चीज नैनों की भाव और तीसरी चीज मुखमंडल की लचक। इन तीन चीजन पर ध्यान दे रही हूं किशोरी जी। श्रम नहीं दिखना चाहिए मुख पर। कैसो भी नृत्य हो, कितनों भी कैसो भी भाव आवे, श्रम नहीं आना चाहिए। लेकिन किशोरी जी पहली बार नृत्य कर रही हैं। नृत्य करते 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 किशोरी जी के प्रश्वेत के बिंदु मुखमंडल पर प्रकट हुए और ठाकुर जी के बार बार नृत्य करवे से उनके चरणन से उठने वाली धूल किशोरी जी के मुखमंडल को स्पर्श कर रही है। जैसे ही किशोरी जी के मुखमंडल के भाव को श्रमित देखो ठाकुर जी ने, तब ये पद गायब हो गया। आ प्रिय मुख निरखत नंद किशोर प्रिय मुख निरखत नंद किशोर मानहु सहज राकेश चित्तवत चकित चकोर चित्तवत चकित चकोर प्रिय मुख निरखत नंद किशोर प्रिय मुख निरखत नंद किशोर किशोरी जी के सन्मुख गए और मुखमंडल के ऊपर प्रश्वेत के बिंदुओं में जो कृष्ण चरण रज चिपक गई थी, ठाकुर जी अपने
पटका से बाकू पोंछन लगे। बैठायो किशोरी जी को, जलपान करायो, चरणन को गोद में लेकर के दवान लगे। किशोरी जी ने मना करी, ना श्याम जू ऐसा मत करो, बहुत दिनान बाद नृत्य क्यों ना, यह हमारे श्रम है गयो है। ठाकुर जी मनी मन विचार कर रहे हैं, कैसी कोमल हैं प्रिया जी, ये सब भाव है ही रहे। कि तभी किशोरी जी बोली, अब सायंकालीन समय है गयो, मैया बाबा सब बाट निहार रहे होंगे, कन्हैया मैं फिर आऊंगी, अब मैं चलूं। ठाकुर जी बोले, अच्छा श्यामा जी जा रही हो? बोले हाँ, अब जावे को समय भयो है। ठाकुर जी मनी मन सोचन लगे, आई आकर के नृत्य सीख लियो, दे के तो कुछ जान आ रही है, बिना लिए दिए कैसे, हम तो भाई हम कन्हैया आए, हम कछु दें तो ले बदले में। अच्छा ठाकुर जी ने एक दो बार संकेत जैसो कियो, अच्छा किशोरी जी तो नृत्य बढ़िया सीख लियो? बोले हाँ सीख लियो कन्हैया, बहुत आनंद आया, तुम तो ऐसे बढ़िया नृत्य करता हो, तुमसे ही सीखनो चाहिए सबन को। हाँ हाँ सीखनो तो चाहिए, और कछु बाप? बोले ना बस, अब मैं चलूं। जैसे किशोरी जी जान लगी, बोले कन्हैया ऐसे तो आनंद नहीं आवे, कोई तो फ्री पॉकेट में सीख के चली गई, कछु तो दे के जानो चाहिए हो। कोई बात ना है, हम कृष्ण हैं, कोई दे के ना जावे तो ले ले हम तो। सही गए जाकर के किशोरी जी के गले में गलवैया डाल के बोले, अरे श्यामा जी चलो ना, एक दूर तक मैं छोड़े आऊं, देखो ये कुंज कैसी, यमुना को पुलिन कैसो, ये मार्ग कैसो, देखो ये भोरा कैसे जा रहा है, देखो 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 ये तितली कैसे उड़ रही है। किशोरी जी बोली, ये सब हमने पहले भी देखे हैं कन्हैया, इनमें कहा विशेष है सो? अरे नेक दृष्टि बदलो श्यामा जू, ये सब साधारण नहीं है, ये जो भोरा उड़ रहा कहा है ना, ये पहले ना जाने कितने वर्षों तक यहाँ ने तपस्या करी, मोए तुम्हें संग देखवे के काजे, आज देखो भोरा बन के या कु दर्शन भये हैं। ये देखो यमुना में जो सुंदर पुष्प बह करके जा रहे हैं ना, ये सब हमारे दर्शन के काजे बह रहे हैं, आदि आदि ऐसे मनगणंत बात बना रहे हैं ठाकुर जी। श्यामा जी बोली, अच्छा ठीक है कन्हैया, अब मैं जाऊं। अरे वो वृक्ष तो आपने देखो ही नहीं, वह वृक्ष पर देखो, वो पक्षी देखो। किशोरी जी बोली, कहाँ? अरे वो ना दिख रहा हूँ आपको, देखो मेरी उंगली के सीध सटीक पर देखो। किशोरी जी बोली, वहीं देख रही हूँ, ना दिख रहा हूँ मुझे। अरे लाओ अपनी उंगली दिखाओ, मैं दिखाऊं। जैसे ही हाथ उठा के दिखाने लगे, वो देखो वहां कोई ना। अरे किशोरी जी इतने में ही तो हाथ उठा के यहाँ मुंदरी निकाल के ठाकुर जी ने अपनी जेब में धर ली, और जेब में धर के बोले, अच्छा चलो कोई बात ना, अभी उड़ गयो फिर दिखाऊंगा है। किशोरी जी बोली, अच्छा ठीक है। किशोरी जी चली गई वहां से, ठाकुर जी ने फेंट में दारी मुंदरी और बांध करके कसके, अब नेक चैन पड़ो हृदय को, फ्री में थोड़ी सिखा देंगे हम सब कछुए। किशोरी जी वापस आई, जैसी किशोरी जी वापस आई, सामने सभी सहचरी सखी सब खड़ी हैं। जैसी किशोरी जी को आगमन भयो, ओहो महाराज नजर उतारी, बलैया ले रही हैं, आरती उतार रही हैं, पुष्प छिड़क रही हैं, इत्र लगा रही हैं, गुलाब जल से छिड़काव कर रही हैं, चरणन को गोद में लेकर के चरणन में लगी भई रज को साफ कर रही हैं, कोई फल खवा रही है, कोई कछु पिवा रही है, इस प्रकार किशोरी जी की सब सेवा कर रही है, कोई कंधा दबा रही है, कोई चरण दबा रही है। किशोरी जी बोली, इन सब को अवकाश ना है, मैं थक गई हूँ, हार गई हूँ, मुझको सोने जान दो अब। इतने में ललिता बोली, विशाखा वो लिखो काओ लेके आवा है, अभी तो गिनती होगी सब सामग्री है कि नहीं। किशोरी जी बोली, या की कहां जरूरत है, तुम्हें श्याम सुंदर पर नेक भरोसा होना है। अरे कन्हैया ऐसो ना है, देखियो आज कैसो बढ़िया नृत्य सिखायो, सब इतनो बढ़िया प्रेम से सब सुसंपन्न भयो, लेकिन तुम्हारे मन से ये भ्रम कभी जावे को नहीं। अरे तो ठीक है भ्रम ना जावे को, लेकिन कम से कम अपने मन की संतुना के लिए तो कर ले हम। हाँ विशाखा बोल, कहाँ का सामग्री? बोले ऊपर की लटकन हाँ विराज रही है, कानन में कुंडल, कुंडल में कितने मोती, इतने मोती, उनमें कितने हीरा, इतने हीरा, हम भाई गिनती करती चलो सबरी, नाक की नथनी हाँ, गले को हार, नवलखा को हार, पन्ना को हार, वाह को हार, या को हार, सबरे हार गिन लिए। हाथन में दो प्रकार के कड़ूला, बोले हाँ है,
बाजूबंद हैं, कर्दनी हैं, पैरन में पाजेब और ये सब सब गिन लिए। किशोरी जी बोली कछु रहे तो ना गो, हाँ हाथन ने गिनवाओ, या हाथ में दो मुद्री, या हाथ में तीन मुद्री, या में दो और या में भी दो, एक कहाँ है। ललिता बोली किशोरी जी एक मुंद्री कहाँ है आपके। बोले मुझे ना पता, हम पहले ही कह रहे हैं ये कन्हैया है छलिया है माँ कनचोर मरकट बंधु, फ्री में तो कछु करेगा ही ना, सहज में ना कर सके, जरूर यही ने धर ली है मुंद्री आपकी। किशोरी जी बोले अरे नृत्य करवे में कहीं गिर गई होगी, काय को श्याम सुंदर पे तुम शक करो। बोले ना है किशोरी जी, वही ने किया ये काम, और हम पहले ही आपसे मना कर रहे हैं कि वाके पास मत जाओ, वाको स्वभाव ठीक ना है, वाके मन में चोर बैठो भीतर। अरे चोर चोरी ना करेगा तो कहा करेगा। किशोरी जी बोली ऐसा भावना है। बोले अब आप बिल्कुल शांत रहो, अब हम अपनी क्रिया करेंगे, हमें करण दे, ठीक है। किशोरी जी शयन में चली गई। दूसरे दिन सूर्य ललिता विशाखा दोनों प्रणाम करके ललिता बोली कि अब हम जा रही हैं, जाके आपकी मुंदरी लेके आमें, ठीक है। ललिता जैसे ही गई नंद भवन नंदगांव, ठाकुर जी अपनी कैया लेकर के नंद भवन से निकले, इतने में सामने से विशाखा आती हुई दिखी ठाकुर जी को। ठाकुर जी अपनी नजर बचा करके गैया चराते हुए निकले। विशाखा सीधी बोली दे देओ। ठाकुर जी भी सीधे बोले मुंह पे ना है। विशाखा बोली कहां ना है। बोले जो तुम मांग रही हो। कहां मांग रही हूं। बोले मौका पतो। तो फिर तुमने यूं कैसे कही मुंह पे ना है। बोले अब वो तो कह दई मैंने। बोले देखो सीधी सीधी बात है, सीधी सीधी तरीका से मान जाओ, जो है वह दे दो। ठाकुर जी बोले मुंह पे है ही ना तो मैं कैसे दे दूं। बोले दे रहे हो प्रेम से या फिर मैं अपने पे आऊं। बोले तू अपने पे आवेगी तो जैसे मैं तो बैठे ही रहूंगा, मैं तो अपनों कुछ करूंगा ही ना, तू आके तो देखा मेरे समीप। खूब देर एक दूसरे में नोक झोंक चलती रही। बोली फेंट में कहा बंद हो तुम्हारे में। बोले या फेंट में सारो ब्रह्मांड बंद हो गए, अगर खोल दियो तो नूतन प्रलय है जाए, वो बता कर दूं। बोले तुम कर दो। ठाकुर जी बोले तेरे कहवे तो फेंटना खुलूं, कौन है तू। बोले मैं विशाखा हूं। कौन विशाखा। मैं किशोरी जी की सहचरी हूं, तो मैं कहा करूंगा, मैं तू उनकी सहचरी है तो उनके फेंटे खोल, मेरे का खोल है, मैंने ना धरो कछु भी। बोले मुंदरी है आपके पास हमारी श्यामा जू की। कौन सी मुद्री, कहाँ की मुद्री, कैसी मुद्री, मुंह पे कछु ना है। अंत तो गत्वा ठाकुर जी बोले एक काम कर, तू कुछ ज्यादा इतना पढ़ रहा है तो एक काम करें, चल किशोरी जी के पास चल रहे, वो ही न्याय करेंगी कौन पे मुंदरी। चलो ठाकुर जी लिए विशाखा जी को संग में और सीधे पहुंच गए किशोरी जी के सामने। किशोरी जी बैठी भई है, जैसी श्याम सुंदर आए सोई आनंद आनंद हृदय में प्रकट है। अरे कन्हैया आप पधारे। बोले किशोरी जी आपको प्रणाम करूं, लेकिन आज मेरे संग बहुत बुरो भयो है। कहा बुरो भयो। बेमतलब को कलंक लगाया गया हो मेरे ऊपर, आपकी ये विशाखा बताओ मुझे चोर ठहरा रही। ठीक है मेरे नंदगाम की गोपी मुकु चोर के मेरी अपनी है सबरी, वो सब मेरे दर्शन करवे के काजे अपने घर में जबरदस्ती ऐसी जगह माखन धरे कि मुकु खावे जानो ही पड़े, मैं तो उनको सुख देवे के काजे चोरी करूं, लेकिन ये विशाखा को कौन ने अधिकार दियो मुकु चोर कहवे को। और मैं नंदगांव में भरे बाजार में बीच में आके मुझे कह रही है दे दो। मैंने कह दी मुंह पे ना है, यूं कह रही है फेंट खोलो या मैं मुंदरी धरी है, ऐसे ऐसे बातें ने बना रही है, आप या को समझाओ मुझको बहुत कष्ट भयो। और देखो आपने नृत्य सीख लियो, मैंने कछु लेवे देवे की बात तो करी नहीं। ललिता विशाखा बोली तो तुम लोगे भी कहा, हमारी किशोरी जी की कृपा है और कहा चाहिए तुमको। बोले नहीं एक बात कह रहा हूं, कोई आदमी कछु देवे तो मांगे तो है ना, मैंने तो बिल्कुल मुफ्त में दियो इनको। बोले मुफ्त में ना दियो, तुमने मुंदरी चुराई है किशोरी जी की। किशोरी जी बोली अब ठीक है ललिता, अब छोड़ो, कोई बात ना है श्याम जू, आपको श्रम भयो वाक्य लिया, मैं आपसे क्षमा मांगू। चोरी चप्पल लगावत मुकु, चोरी चप्पल लगावत
तुम्हारी नटखट सखी है मुंह पे चोरी को आरोप लगा रही है, मैंने कछु चोरी ना करी है। तुम न्याय करके आज बताओ कौन सही कौन गलत। किशोरी जी ने तो पहले न्याय कर दियो कि भैया अब श्याम सुंदर को ज्यादा श्रमित मत करो, श्याम सुंदर को यहां से जान दो और अब बस यही बस करो, मुंदरी चली गई दूसरी ले लेंगे। ललिता विशाखा बोली कि नहीं ना किशोरी जी, मुंदरी इनके पास है और इनते ही ले जाएगी, हमें बस एक चीज करवा दो। किशोरी जी बोली कहा करवाओगी, बोले कि इनकी जो फेंट बंदी भैया बस यह खुलवा लो और कुछ नहीं करना, हमें हम मान लेंगे कि ये बिल्कुल चोर नहीं, बस इनकी फेंट खुलवा लो। किशोरी जी बोली ने खोल दो। तो ठाकुर जी ने जहां पे मुंदरी इकाई मई ते फेंट पकड़ी, दूसरी जगह ते गांठ खोल के लो कछु मिलो या मैं। इतने विशाखा ने नीचे को पकड़ो, बोले अब छोड़िए। ठाकुर जी बोले यार ना छोड़ सकूं, क्यों बछिया बछड़ा इनके सबन के भीतर बैठे हैं या मैं, और पूरा ब्रह्मांड मेरे हाथन में ही है, अरे नूतन प्रलय है जाएगा, मैं तो पहले ही कह रहा हूं यार ना छोड़ूंगा। इतने में ही विशाखा ने जोर से हाथ से फेंट जैसी खींची, ठाकुर जी के हाथ से छूट गई, इतने में मुंदरी वहां से गिर गई। अब तो मुंदरी गिरते ही महाराज विशाखा ने उठाई, ये ले लो। बहुत बने अपने मन में मैं चोरी ना करूं यो ना करूं, हम तो पहले ही समझ गई, पहले ही जान गई। किशोरी जी जब निकस करके जा रही या के पास में, हम तभी जान गए कि मानेगो ना बिना कछु लिए, या हमारे एक एक चीज को लेखा जोखा रखो हमने। कहां ते आई है मुंदरी? किशोरी जी सहज है गई, बोले अब ठीक है कोई बात ना, आप कछु कहो मत, ठाकुर जी को श्रम मत करो। किशोरी जी के कई बार भाव मान करके, कई बार भाव जान करके ऐसा लगे कि यही प्रेम है। तत् सुखे सुखित्व, हमारो प्रेमी जामे सुखी हम वामे सुखी। आजकल को प्रेम ऐसा ना है, किशोरी जी प्रेम की अधिष्ठात्री हैं। हम ये लीला सुन करके हमको आनंद बहुत आ रहा हो कि हम श्याम सुंदर की लीला श्रवण कर रहे हैं, किशोरी जी के सुंदर भाव श्रवण कर रहे हैं, लेकिन हम यहां से कहां सीख रहे हैं? प्रेम में सदा प्रेमी के सुख को विचार कियो जाए। और स्पष्ट कह दूं तो प्रेम संसार में किसी से नहीं हो सकता, प्रेम शब्द केवल श्याम और श्यामा जी और श्याम सुंदर के लिए ही बनो है। आप संसार के किसी व्यक्ति के प्रति यदि प्रेम प्रकट करना चाहो वो प्यार बन जाएगा, लेकिन प्रेम ना रह सके। प्रेम शब्द तो केवल इनके लिए है। और प्रेम मतलब भक्ति, मतलब आपके भाव। वहां में अपने सुख को विचार मत करो, ठाकुर जी के सुख को विचार करो, श्री जी के सुख को विचार करो। वृंदावन में बहुत कष्ट होवे मुकु लोगन को देख के जो अपने ठाकुर जी को डलियान में लेके घूमे, कहीं भी जामे कहीं भी बैठ जामे, ऑटोन में लदे भये और हाथ में डलिया में लड्डू गोपाल लेके दौड़ रहे हैं। आपने उनके सुख का विचार नहीं किया, अपने सुख का विचार कर रहे हैं।
और जहां अपने सुख का विचार होता है ना, वहां प्रेम नहीं हो सकता। ठाकुर जी की नित्य सेवा में, नित्य भाव में उनके सुख का भाव रखो। उनको किस में सुख मिले, उनको काय में सुख है, वो करो। मैंने आज तक अपने लाल जी को कथा नहीं सुनाई। एक बार मैंने ये प्रयास कियो, और मैंने नहीं कियो, जिनने कथा कराई कलकत्ता के पास में एक जगह कथा ही, वे सब लोग आए, बोले महाराज जी आज गोवर्धन पूजा है कथा में, लाल जी को लेके विराजो। मैंने कि लाल जी को मेरो ऐसो भाव रहे कि जब मैं कथा में जाऊं ना तो 3-4 घंटा ठाकुर जी सहज है जाते होंगे, या भुजा को नीचे कर लेते होंगे, ने हाथ पामन ने सीधे करके अंगड़ाई ले लेते होंगे, ग्वाल बालन ने बुला करके और पूरे कमरा में उधम मचाते होंगे, वहां मिठाई के डिब्बान ने उठा उठा खोल खोल के देखते होंगे, एक दूसरे पर फेंक के मारते होंगे। ये सब लीला ठाकुर जी की अंतरंग चलती होगी जब मैं कथा में रहूं। ठाकुर जी को थोड़ा समय तो अवकाश रहता होगा अपने सखान के काज। मेरे मन को भाव हमेशा यही हो कि मैं कथा में जाऊंगा, ठाकुर जी को नहीं ले जाऊंगा, वो अपने कक्ष में आनंद करेंगे। लेकिन वो सब आ गए आयोजक करता, बोले महाराज जी लाल जी जरूर आने चाहिए, आज आज गोवर्धन पूजा है, हमने 56 भोग तैयार किए, बहुत व्यवस्था करी। मैंने कहा ठीक है चलो, इतना कह रहे हो तो ले आऊंगा। अब विश्वास मानना मेरी बात का, ठाकुर जी का सुख का विचार करके मैं नहीं लेके जाता था, लेकिन उस दिन मैंने उनके सुख का भाव देखा। मैंने बेचारे इतनी बड़ी कथा करा रहे हैं, इतने कह रहे हैं तो ले चलते। ठाकुर जी का श्रृंगार कर रहा था, श्रृंगार करते करते ये हमारे मुखिया जी भी संग में थे आप वहां कथा में, श्रृंगार करते करते पृथ्वी हिलने लगी, भूकंप आ गया उस क्षेत्र में। मैं ठाकुर जी को लेके बिल्डिंग से बाहर भागा, जब ये स्थिति हुई, 2-3 वर्ष पुरानी बात है। मैंने कि भाई ये क्या हो रहा है, पहला संकेत ठाकुर जी ने दिया, बोले मोकु ना जानो श्रीधामा मधुमंगल मेरी बात नहीं आ रहे हैं, सबरे गैयान की लेकर यहाँ पे आमेंगे, तू मोकू कथा में ले जाओ, बेचारे दुखी है जाएंगे। यही भाव आया था हृदय में, तब भी मैंने एक बार फोन करवाया, मैंने ठाकुर जी नहीं आएंगे, देखो अभी आज मौसम भी ठीक नहीं है, बादल हो रहे हैं, भूकंप सा आया था। बोले नहीं महाराज जी सब व्यवस्था हो गई, आप ऐसे मत करो, ले आओ अब देख लो ये वो। मैंने ठीक है चलो ले चलो। ठाकुर जी को लेकर के जैसे ही वहां से निकलो कथा के लिए, गड़गड़ 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 करके बादलों ने गरजना शुरू किया। वाटरप्रूफ पंडाल था, मैंने कि कोई नहीं कथा तो है ही जाएगी। अब विश्वास माने, जैसे ही पंडाल में प्रवेश बगल से किया, और वे लोग सब छाता छत्री ले ले करके वहां पर ठाकुर जी के स्वागत में, जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, ऐसी बिजली कड़की, ऐसी हवा आई कि वो करीब 300x150 का पंडाल था, एक हवा के झोंके में ही देखते 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 ध्वस्त हो गया, नष्ट। कथा का 6वां दिन, अभी 5वां दिन, 2 दिन की कथा, 3 दिन की कथा बची थी, और मैं ठाकुर जी को लेके गाड़ी में ही बैठा हूं अभी, और सामने देख रहा हूं पंडाल नीचे आके समा गया। मैंने कही जय हो लाल जी, मुझको क्षमा करी हूं, आज मैंने बहुत अपराध कियो, मैंने आपके सुख को विचार ना कियो, आज मधुमंगल श्रीधामा को मेरी वजह से श्रम है गयो, इसलिए आपने ये सब कियो, आज क्षमा मांगू, अब नहीं आपको कभी कथा में श्रम नहीं दूंगा। पर उस दिन 20 मिनट कथा करके फिर मैं गया, उस दिन के बाद कभी ठाकुर जी को लेके मैं कथाओं में नहीं गया, क्योंकि एक दो बार और मैंने प्रयास मात्र किया तो कुछ ऐसा हुआ कि मैंने कि नहीं लाल जी का अवकाश का समय है। परंतु इस सुंदर भाव में देखो ठाकुर जी कैसे विराज रहे हैं, कैसे आनंद कर रहे हैं, कैसे सुख ले रहे हैं। यहां पे भी मैंने अपने सुख का विचार नहीं किया, यहां पर इनके सुख का विचार किया। यहाँ ठाकुर जी क्यों पधारे हैं, क्यों इस कथा में विराज रहे हैं, क्यों इस चर्चा में विराज रहे हैं, क्योंकि श्री जी को भाव है, श्री जी की चर्चा होगी। या हमारे श्री लाल जी ने मधुमंगल श्रीधाम आदि संबंध कह दी, 4 दिन की छुट्टी पे हूं मैं, 4 दिन कोई गैया चरावे नहीं जाऊंगा, क्यों कथा में जाऊंगा, क्यों बोले श्री जी प्रकट होंगी, और श्री जी को दर्शन करवे को मिले, श्री जी को श्रवण करवे को मिले, लाल जी वहां पीछे ना रहे आ गए, सहज भाव से विराज रहे हैं, और
ऐसे ऐसे मुझे नहीं पता था आज ठाकुर जी ब्याह कर लेंगे, वो कर आए देखो सुबह सुबह। अपने आप ही सब प्रयोजन, अपने आप ही सब युक्तियां बना बना करके सब क्रम कर रहे हैं, क्यों? अपने प्रिय के सुख का भाव। तत्सुखे सुखित्वम, तत्सुखे सुखित्वम। श्री किशोरी जी को बहुत कष्ट होता है जब ये सब सखियां मिलकर के ठाकुर जी पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं। भले ही किशोरी जी की सामग्री थी, किशोरी जी की मुंदरी थी, लेकिन जब जब वो प्रकट हुई ना, तो ठाकुर जी से ज्यादा कष्ट किशोरी जी को हुआ कि क्यों क्यों निकल आई, हृदय में कष्ट हो रहा है। इस बात से कष्ट नहीं कि मुंदरी इनके पास क्यों मिली, मुंदरी इनके पास थी इससे तो किशोरी जी को बहुत सुख था कि मेरी कोई वस्तु तो है इनके पास में, किसी ना किसी रूप में मेरा अनुभव तो कर रहे होंगे ना। लेकिन जब वो प्रकट हुई और सबने ठाकुर जी को इस भाव से देखा, उस चीज से किशोरी जी को बहुत कष्ट हुआ और ठाकुर जी को चेहरा मुरझा गया। सब सखी चढ़ चढ़ के, तो चोर है, जन्म जन्मांतर का चोर है, ऐसो है वैसो है। किशोरी जी नेत्र बंद करके बैठी हैं। जैसे किशोरी जी ने नेत्र बंद किए हैं, सारी सहचरियां मूर्छित होकर के वहीं गिर पड़ी और श्याम सुंदर नीची नजर करके वहां से चले गए। किशोरी जी क्षमा करें ठाकुर, किशोरी जी बोली, आप ऐसे क्षमा मांग करके मुंह को लज्जित मत करो श्याम सुंदर, आप याकू अपने पास ही रखो, संग ही रखो, आपके संग विराजेगी, मुंह को या में प्रसन्नता है कि मेरी कोई वस्तु आपके पास है। कैसी करुणा निधान है श्री किशोरी जी, पूरे विश्व पर करुणा करने वाले श्याम सुंदर भी करुणा की आकांक्षा करते हैं किशोरी जी से, और किशोरी जी उनकी उनकी करुणा में ही, उनके सुख में ही उनकी प्रसन्नता है। साधन हीन हमारे ब्रज में गाते हैं, साधन हीन दीन मेरा, किशोरी जी एकाकार रूप में श्रीनाथ जी बन के प्रकट हुए। रात्रि में जब चर्चा मां निवास पर होती है, तब कई भाव ऐसे प्रकट होते हैं, यहाँ के कई लोग उन भावों से वंचित रह जाते हैं। श्रीनाथ जी का जो स्वरूप है, ये श्री किशोरी जी और श्याम सुंदर का सम्मिलित स्वरूप है। जो उठी हुई भुजा है श्रीनाथ जी की, ये अर्ध अंग श्री किशोरी जी हैं, और जो कटी भाग पर जो भुजा है, ये अर्ध अंग ये श्याम सुंदर है। एक कथा आती है, जब श्री गोवर्धन में श्रीनाथ जी विराजते थे,
तो राजभोग आरती करने के पश्चात गुसाई जी जब ठाकुर जी के कपाट बंद कर देते, दो भावों से राजभोग आरती के बाद कपाट बंद किए जाते हैं। ठाकुर जी की इच्छा हो तो गौचारण को चले जाओ, सामने गैया छड़ी आदि सब रख दी जाती है, और यदि ठाकुर जी आप श्रमित हो तो सो जाओ, थोड़ी देर आराम कर लो। आज ठाकुर जी थोड़े श्रमित थे, गुसाई जी ने जैसी कपाट बंद किए ठाकुर जी से प्रार्थना की, हे श्याम सुंदर अब शयन करो। सैया बिछा दी, सेज लगा दी और ठाकुर जी पौड़ गए। जैसी कपाट बंद होते हैं दोनों रूप प्रकट हो जाते हैं, श्याम सुंदर और किशोरी जी दोनों प्रकट हो जाते हैं, दोनों एक संग शयन करते हैं सेज पर। लेकिन जब कभी भी शयन का भाव होता है तो किशोरी जी ये अनुभव करती हैं कि शयन निद्रा लगने के बाद थोड़ी देर बाद जब वे नेत्र खोल के देखती हैं तो श्याम सुंदर वहां है ही नहीं, कहीं चले जाते हैं ठाकुर जी, किशोरी जी अकेली पौड़ी रहती हैं। आज भी किशोरी जी को पता था कि नित्य श्याम सुंदर कहीं ना कहीं जाते हैं, आज मैं उनके संग जाऊंगी, कहां जाते हैं ये। आज जैसे ही पौड़े दोनों और ठाकुर जी नेत्र बंद करके यूं दिखावे कि मैं सो रहा हूं, किशोरी जी ने भी आज नाटक कियो सोवे को। जैसे ही कन्हैया ने देखी कि किशोरी जी सो गई तो उठ करके ठाकुर जी सहज है करके जैसे चलवे लगे किशोरी जी उठ के बैठ गई, कहां जा रहे हो। पीछे देखी श्याम सुंदर ने प्रणाम किया, बोले किशोरी जी आप विराजो, आप शयन करो, मैं अभी आऊं। बोले अभी की नहीं, आप रोज कहीं ना कहीं जाओ, कहां जाओ मुझको सही सही बताओ। ठाकुर जी बोले एक भक्त है वासो मिलवे जाऊं। कौन सा भक्त? बोले आपको स्मृति में हो तो निवृत निकुंज की लीला में जब हम दोनों रमण कर रहे थे तब एक मेरो प्रिय भक्त उद्धव मेरे दर्शन के काजी आयो। ललिता विशाखा दोनों ने वैसे मना करी कि निवृत निकुंज में दोनों श्यामा श्याम लीला कर रहे हैं, भीतर प्रवेश मत करियो उद्धव, भीतर हम लोगों को भी प्रवेश नहीं है तो तुम तो बिल्कुल ही मत करना। लेकिन उद्धव ने उनकी बात नहीं मानी और उद्धव भीतर प्रवेश कर गए। तो जैसे उद्धव प्रवेश किए तो ललिता विशाखा में से किसी एक ने श्री उद्धव जी को श्राप दे दिया, तुम हट करके भीतर जा रहे हो ना, हमारी बात नहीं मान रहे हो, निवृत्त निकुंज है, यहाँ पे कोई प्रवेश नहीं कर सकता, केवल श्याम सुंदर और किशोरी जी रहते हैं, लेकिन तुम हट पूर्वक भीतर प्रवेश कर रहे हो, हम श्राप देती हैं तुम नेत्रहीन हो जाओ, तुमको भीतर कुछ नहीं दिखेगा। भीतर जब उद्धव जी पहुंचे कुछ नहीं दिखा, ठाकुर जी बोल रहे हैं अरे उद्धव तुम कैसे आए, आओ विराजो। उद्धव जी बोले लाल जी आप कहां हो। बोले मैं यहीं तुम्हारे सामने बैठा हूं। उद्धव जी बोले लेकिन मुंह को दिख तो नहीं रहे भगवान। किशोरी जी बोली अरे उद्धव ने ध्यान से देखो हम सामने ही तो बैठे तुम्हारे। उद्धव जी ने खूब प्रयास किया लेकिन ठाकुर जी नहीं दिखे, यमुना जल से जाकर के नेत्रन को प्रच्छालन कियो लेकिन फिर भी ठाकुर जी को दर्शन नहीं भयो। तब ठाकुर जी उद्धव जी को लेके बाहर आए, विशाखा से पूछी उद्धव को दर्शन क्यों नहीं है रे। तब विशाखा ने बताई कि हमने श्राप दियो है, निवृत निकुंज में बिना आज्ञा के प्रवेश कर रहे थे इसलिए श्राप किया है कि देख नहीं पाएंगे। उद्धव जी चरणन में गिर गए, भगवान मैं आपके दर्शन के बिना कैसे जीऊंगो। ठाकुर जी बोले उद्धव तुम चिंता मत करो, अब कलिकाल में मैं और किशोरी जी दोनों धराधाम पर लीला के लिए विराजेंगे और वह लीला को दर्शन सबको नए हुए करेगो, कछु प्रेमी जनन को ही हुए करेगो, उन प्रेमीन में तुम अग्रगण्य होगे और तुम मेरे प्रिय भक्त सूरदास बन करके इस धराधाम पर विराजोगे। और श्री उद्धव जी महाराज ही सूरदास जी के रूप में पधारे। जा दिन से सूरदास जी शरणागत भये श्रीमद वल्लभाचार्य जी के, वादिन से नित्य राजभोग के बाद ठाकुर जी छलांग के चले जाएं और सूरदास की कुटिया में बैठ करके वहां पर सूरदास के सुंदर भावन को श्रवण करें, मेरो प्रिय उद्धव है। ठाकुर जी बोले मैं वहीं जा रहा हूं। किशोरी जी बोली मैं भी चलूंगी संग में, आप अकेले नहीं जाओगे, और यदि आप अकेले गए मोकू नहीं लेके गए संग में तो मैं आज गुसाई जी से आपकी शिकायत कर दूंगी।
ठाकुर जी जब घर में विराजते हैं ना, सेवा में विराजते हैं, अपने अर्चक से थोड़ा भय खाते हैं। मेरी तो खूब लड़ाई हो गई मेरे लाल जी से, कभी श्रृंगार में अगर विक्षेप है रहे हो, कोई और बात हो, मैं तो डांट फटकार दूं खूब। अरे तो नेह भी तो लड़ा रहे हैं, तो डांटवे को अधिकार भी वही कुए जो प्रेम से चर्चा करे। हम सुख को विचार करें यही मारे डांटे। माता पिता ऐसे ही बोलते हैं, तेरो भलो चामे यहां मारे डांट रहे हैं। ऐसे हम भी आपके सुख को विचार करें यही मारे डांटे। काउ दिन ठाकुर जी यदि तैयार ना हो, मैं काउ दिन मुकुट उठा उठा के फेंके। तो देखो ठाकुर जी की सेवा में दो तीन विषयों का भाव रखना है। ये जो मूर्छल आरती के समय होती है ना, चंवर तो होती है कि कोई अला वला लाल जी को नहीं लगे, मूर्छल क्यों होती है? मूर्छल के भीतर जो मयूर पंख हैं, जब वो हिलते हैं तो ठाकुर जी उनको देखने में व्यस्त हो जाते हैं और यशोदा मैया इतने में आरती कर देती है। नहीं तो छोटे बालक की मैया जब नजर उतारे तो बालक कहाँ रुके, कभी यहाँ भागे कभी वहां भागे। ये हमारे मूर्छड़ को भाव है, ताकि ठाकुर जी को ध्यान वाक की तरफ केंद्रित रहे, ठाकुर जी मुस्कुराते रहे और यशोदा मैया उनकी आरती करते। ऐसे ही प्रत्येक भाव में जब श्रृंगार करते हैं तो ठाकुर जी के सन्मुख कुछ भोजन के पदार्थ रख दो, कुछ खिलौना रख दो। हमारे बाल भाव में ऐसी सेवा है, ठाकुर जी के पास में कुछ खिलौना रख दो, कुछ भोजन के पदार्थ रख दो, फिर श्रृंगार करो। क्यों? ठाकुर जी फिर श्रृंगार गिरेंगे नहीं अपना। ये जो बार बार मुकुट गिरे, बार बार माला गिरे, ये सब नहीं होगा, ठाकुर जी सहज श्रृंगार करवा लेते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि खूब सारे खिलौने धर दिए, खूब सामग्री धर दी, लेकिन ठाकुर जी फिर भी श्रृंगार गिर दें, ठाकुर जी पता चल जाए ये सब मेरे ध्यान भटकावे के काज है। तू तो मोर पंख लगा के मुकुट धरा के चलो जाए, पूरे दिन मेरे सर में कितनों दर्द होवे तो का पतो, उठा उठा के फेंके फिरवाए। तब का करें, लाल जी के सामने धर दूं सब सामान, ना रे तैयार ना उनो तैयार, ठीक है ऐसे ही खड़ो कर दूंगा नंगो धरंगो। सबरे दर्शनार्थी आवेंगे, आकर के जैसी देखेंगे फिर तुम्हारी ही निंदा होगी, सबरे फोटो खींच खींच के ले जाएंगे, लंगोटी में खड़े रहेंगे, सब जगह डाल देंगे फेसबुक इंस्टाग्राम पे, सब देखेंगे इंद्रेश जी के ठाकुर जी देखो लंगोटी में खड़े हैं। मैंने कि एक बार और प्रयास कर रहा हूँ, तैयार हो जाओ। और वास्तव में जैसे प्रयास करें ठाकुर जी फिर से तैयार हो गए। यदि इस भाव से कभी कभी ठाकुर जी को डांटा भी जाए ना, कोई दोष नहीं, ये भी तो प्रेम है। प्रेम प्रेम करने वाला ही तो डांट सकता है, प्रेम करने वाला ही तो तेज आवाज में बोल सकता है। किशोरी जी बोली मैं गुसाई जी से शिकायत कर दूंगी तुम्हारी, ठाकुर जी बोले गुसाई जी से मत कहियो बहुत डांटेंगे नहीं तो, तो फिर मुंह को लेके चलो संग में। अच्छा चलो, लेकिन सुनो शांत बैठियो और तुरंत 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 जाएंगे, तुरंत 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 आएंगे, ठीक है। किशोरी जी को संग लेकर के ठाकुर जी पहुंचे, कुटिया में सूरदास जी बैठे और सूरदास जी बैठ करके सुंदर ठाकुर जी के भाव गा रहे हैं। कौन कुटिल खल कामी मोसम, कौन कुटिल खल कामी मोसम, कौन कुटिल खल कामी मोसम, कौन कुटिल खल कामी, जो तन दियो ताही बिसरायो, जो तन दियो ताही बिसरायो,
श्याम सुंदर किशोरी जी दोनों पहुंच गए, कुटिया के एक कोने में बैठ करके सूरदास जी को श्रवण कर रहे हैं। सूरदास जी भाव विभोर होकर के गान करते जा रहे हैं, एक के बाद एक सुंदर सुंदर पदों का, एक के बाद एक सुंदर सुंदर भावों का गान कर रहे हैं। ठाकुर जी श्रवण करके आनंदित हो रहे हैं, लेकिन किशोरी जी तो भाव विभोर हो रही हैं। ठाकुर जी से बोली, याकू नेत्र दे दो। ठाकुर जी बोले, मैं पहले ही मना कर रहा हूँ, कुछ करवे ना जानो, केवल सुन के वापस आनो, और आप या नेत्र दे दो, फिर कहोगे या यूँ कर दो, यूँ कर, यूँ जैसो चल लो ठीक है, ऐसे रहन दो। किशोरी जी बोले, बहुत निष्ठुर हो आप, बेचारो कैसे सुंदर सुंदर भाव बना बना के गावे और वापस नेक कृपा ना कर सको, नेक नेत्र दे दो, का बुराई है। ठाकुर जी बोले, मैं मुख जब देन होगा मैं दे दूंगा, मुख सूरदास ऐसे प्रिय है। और रही बात नेत्र देवे की, ललिता विशाखा के श्राप से श्रापित हैं और अपने भक्तन के श्राप को मैं दूर ना कर सकूं। और सूरदास जी वही में आनंदित है, यदि संसार को देखेगा, संसार में या को मोह है गयो, संसार में आप आकृष्ट है गयो, तो मेरो भाव ना गा पावेगो, या मारे मैं नेत्र ना दूंगा या को। किशोरी जी बोली, तो कछु तो कृपा करो, नेत्र ना दे रहे तो कछु अपनो आलिंगन दे दो, अपने स्पर्श दे दो। बोले, नेत्रहीन बाबा है, इतनी जोर किया कि पकड़े, एक बार आलिंगन दे दियो, ऐसा पकड़ेगो छोड़ेगो नहीं, फिर जान नहीं देगो। गोसाई जी वहां पर मंदिर खोलेंगे, दोनों नहीं मिलेंगे, का होगा फिर। किशोरी जी बोली, हर कृपा के लिए मना कर रहे हो, नेत्र देवे की मना, आलिंगन देवे की मना, अरे इनको ये आभास करा दो कि मैं और तुम यहां बैठे हैं, कम से कम ये अनुभव है जाएगा कि किशोरी जी बैठी हैं, श्याम सुंदर बैठे हैं, कितना सुख होगा सूरदास को। बोले, नहीं, ये विरह में है इसलिए हमारो भाव गावे, यदि आपको पता चल गई ना श्याम सुंदर किशोरी जी नित्य आम है, तो आपको विरह नष्ट हो जाएगा, और विरह में नहीं गावेगा तो मुख सुख कैसे मिलेगा। किशोरी जी बोली, बहुत निष्ठुर हो आप, कोई भी कृपा कैसे भी है नहीं जाए, लेकिन किशोरी जी के मन में चल लो, मुए तो कृपा करनी है, कछु तो मैं करके जाऊंगी आज। इतने में सूरदास जी अपनी लाठी उठाई और अपनी कुटिया से बाहर निकलने लगे। जैसे ही जान लगे, ठाकुर जी बोले, चलो श्यामाजू, अब थोड़ी बहुत देर में उत्थापन है विवारों मंदिर में, हम चल के सहज है जाएं। किशोरी जी बोली, नहीं, थोड़ी दूर तक चले चल रहे हैं। सूरदास जी बेचारे नेत्रहीन कहीं जा रहे हैं, कहीं गिर गिर आ गए, तो बोले, वो रोज जामे कहीं ना गिरेंगे, चलो हम चले। किशोरी जी बोली, देखो मैं आई हूं तो नेक देर और मुकु रहन दो, अभी समय है उत्थापन में, नेक देर विराज ने फिर चल रहे हैं। सूरदास जी के पीछे पीछे किशोरी जी श्याम सुंदर दोनों जान लगे। आगे गहरो गड्ढा, सूरदास जी जैसी वाकी और भरन लगे, किशोरी जी भागी, ठाकुर जी ने हाथ पकड़ा, बोले नहीं। बोले, सूरदास गिर जाएगो, बोले जो होगो सब सब उचित होगो, आप श्रम मत करो, आप जबरदस्ती मत करो। और देखते ही सूरदास जी वहां फिसल गए, रिपट के नीचे चले गए। अब जैसे ही नीचे गिरे तो ठाकुर जी ने किशोरी जी पकड़ी, बोले अब चलो यहाँ से, क्योंकि ये मदद के काजे चिल्लाएंगे लोग, भागामेंगे, हमें देख लेंगे तो बवा ले जाएगा, हमें जाके उत्थापन में दर्शन देना है। किशोरी जी बोली, नहीं, सूरदास जी पर कृपा करो, उनको पहले या गड्ढा से बाहर निकालो तभी हम जाएंगे। ठाकुर जी बोले, आप मानो क्यों ना हो, सूरदास को रहन दो वहीं पर। किशोरी जी बोली, या तो ये करो, नहीं तो मैं यहीं बैठी हूं, नहीं जाऊंगी, तुम अकेले खड़े है जाइयो ऐसे जाके। ठाकुर जी बोले, यही मारे संग नहीं लेके आ रहो आपको, मैं अकेलो ही आ रहो, अब माने ही ना है, करना ही पड़ेगा जो कह रही है, कहा करूं बताओ। बोले, अपनी काली कमरी उतारो, नीचे बाकू डारो, सूरदास को बोलो कि काली कमरी पकड़ के ऊपर चढ़ के आ जाए, स्पर्श को ना कह रही हूं मैं, बस कमरी पकड़ करके नेक ऊपर खींच लियो, जैसे ऊपर आ जाएगा कमली छुड़ा के हम दोनों भाग लेंगे यहां से। ठाकुर जी बोले, ठीक है। नीचे अपनी कमली लटकाई, बाबा, ओ बाबा। जैसे सूरदास जी ने बाबा शब्द सुनो, रोम रोम नृत्य करने लगो। बोले, स्वर साधारण मानव को नहीं है, ये स्वर साधारण जीव को ना है सके, जा स्वर को सुनकर के रोम रोम प्रफुल्लित है रो, जा स्वर को सुनकर के मन रूपी मयूर नृत्य कर रो, जा स्वर को सुनकर के नेत्रन से अश्रुपात है रो, जा स्वर को सुनकर के हाथ पांव कंपित है रे, ये सामान्य मानव को स्वर ना है सके।
कौन है भैया, कौन बुला रहा है? अरे बाबा मैं यही पास के गांव को हूं, आप गिर गए हो नीचे, आपकी सहायता करवे आया हूं बाबा। अच्छा भैया कैसे निकाले हो बाहर? बोले मैंने अपनी अपनी काली कमली यहां में डाल दी है, आप बाकू पकड़ करके ऊपर चढ़ जाओ मैं खींच लूंगा। सूरदास जी बोले हाँ भैया कितकू है? बोले इतकू है। सूरदास जी गए, जैसे ही ठाकुर जी को पटका पकड़ो, पटका में से आ रही इत्र की सुगंधी, और ये इत्र की सुगंधी वही थी जो आज श्रृंगार के दर्शन के समय गुसाई जी ने इत्र प्रदान किया, तो वही इत्र है। सूरदास जी मन ही मन प्रफुल्लित है गए, बोले ओहो ये तो निश्चित ही श्याम सुंदर पधारे। जैसे ही सूरदास जी ऊपर चढ़ने लगे, अकेले कन्हैया पे खींचे नहीं नेक से कन्हैया, ठाकुर जी बोले खड़े खड़े देख रही हो सब, हमते करवा रही हो, आओ ने खेचो मुको। सूरदास जी को ठाकुर जी खेच रहे हैं, ठाकुर जी की कमर पकड़ के किशोरी जी खेच रही है। बस यही तो चाहिए किशोरी जी को, कैसी कृपा होनी चाहिए। और जैसे ही खेच करके ऊपर लाए, सूरदास बोलो बेटा आज मत चूक जाइयो, बहुत वर्षन से चूक रहो तू, आज मत चूक जाइयो, पकड़ लियो दोनों आए। जैसे ही बाहर निकले, सूरदास जी ने ऐसी स्वयं को ठोकर लगाई कि ठोकर लगाते गिरे, ठाकुर जी तो हट गए, पीछे खड़ी किशोरी जी के दोनों चरण सूरदास जी के हाथ में आ गए। और जैसे ही हाथ में चरण आए, सूरदास जी ने कस करके पकड़ लिए। अब किशोरी जी को ठाकुर जी कहते जल्दी भगो पकड़ लेगो बाबा। जैसे ही पाम छुड़ा के भगी तो किशोरी जी की एक पाजेब सूरदास जी के हाथ में रह गई। सूरदास जी ने तुरंत अपनी कांख में दबाई ली, बस मन ही मन बड़े प्रसन्न रहे, बोले इतनो ही सही बहुत है, कछु तो है मेरे पास, कभी तो आमेंगे लेवे। जैसे ही दौड़े दोनों, किशोरी जी चली श्याम सुंदर मुको ऐसा लगे मेरी एक पाजीब की आवाज ना आ रही। जैसे ही अपने अंग चरणन को देखो तो बोले अरे मेरो पाजीब तो वहीं रह गयो, मेरी पायल रह गई कन्हैया, चलो लेके आमेंगे। ठाकुर जी बोले दूसरी धरा दूंगो, वाय लेवे मत चलो, ना ना वो ही चाहिए मुको। अरे वो साधारण ना है, मेरी सखी सेचरीन ने कैसी मिन्नत करके कैसी मेहनत करवा करके बनवाई, और मुको बहुत प्रिय, वो ही चाहिए मुको। ठाकुर जी बोले यही मारे ना लाऊं मैं तुम्हें, कितनो श्रम है रो, नेक देर में हमको सहज होनो, मंदिर में पहुंचनो, दर्शन करवे के दर्शनार्थी पधारेंगे सब, आप माने ना है। किशोरी जी बोली वही पाजीब चाहिए चलो। ठाकुर जी गए लेकर के, दूर खड़े सूरदास जी बैठे हुए हैं बैठ करके और प्रेम से हरि स्मरण कर रहे हैं। इतने में ठाकुर जी दूर से बोले बाबा। हाँ भैया फिरते आ गयो? बोले हाँ बाबा, वो मैं यहाँ हमारे आयो कि मेरे संग में मेरी एक सखी और ही, बाकी एक पाजेब रह गई है, वो आपने धर ली है बाबा, बाकू दे दो। सूरदास जी बोले कौन सी पाजेब? बोले आपने धर ली है, अच्छा ये वारी पाजेब? बोले हाँ ये वारी। अच्छा कौन की है? बोले मेरे संग एक सखी पधारी है, मेरी सहेली है बाकी है। बाबा बोले मुँह का पतो तेरी सहेली की है कि ना है, मेरी कोई मदद करवे आयो ना एक देर पहले, बाकी पाजेब रह गई सो मैंने धर ली कि आवे को तो दे दूंगो, अब मुँह का पतो की जाने मेरी मदद करी वो तो ही है, मुँह दिखे तो है ना है। ठाकुर जी बोले अरे मैं ही हूँ बाबा, मैंने ही कृपा करी, मैंने ही आपको निकारो बाहर। सूरदास जी बोले मैं ना मानू भैया, कहीं मैंने पाजेब दे दी और जाने मेरी सहायता करी कहीं वो आ गो तो, और वो कहे कि मेरी पाजेब दो तो मैं तो दुबधाम पड़ जाऊंगा, मुँह तो पतो ही ना है कौन की है। बोले बाबा सब छोड़ो यूं बताओ कैसे दोगे? बोले ऐसे दूंगो, एक पाजेब मेरे पास है एक तुम्हारे पास होगी। बोले हाँ बाकी पहचान करा दो। बोले कैसे होगी पहचान? बोले लाओ मेरे घुटने पे जा, पाम में पाजेब है वा पाम को धरो, मैं अपने हाथन से स्पर्श करके वा को अनुभव कर लूंगो, जैसे अनुभव है जाएगा दूसरी पाजेब दे दूंगो। श्याम सुंदर बोले नहीं किशोरी जी ये नहीं करना है। किशोरी जी बोले चुप रहो तुम जा रही है। किशोरी जी आगे आगे बढ़ती जा रही है, अपनो पाम धरवे जा रही है सूरदास जी के सुंदर अंग पे, लेकिन ठाकुर जी बार बार रोके किशोरी जी मत जाओ बाबा पकड़ ले को। बोले आज पकड़न दो या को। जैसे ही समीप गई, किशोरी जी ने अपनो चरण सूरदास जी के हस्त कमल पर रखो। सूरदास जी ने जैसे ही वहां को स्पर्श किया, स्पर्श करके
जब अनुभव के लाओ दूसरा चरण दो, दूसरा चरण लेकर के सूरदास जी ने अपने हाथन से पाजे पहना करके दोनों चरणन को पकड़ करके और अपने हृदय पर रख लियो। बोले अब नहीं जाओगे, अब नहीं छोड़ूंगा, अब यहीं रहोगे, मेरे पास ही रहोगे, मेरे संग ही रहोगे, और जाओगे तो मुझको संग लेके जाओगे, मैं जानूं आप कौन हो। ठाकुर जी बोलो किशोरी जी मैं पहले ही कह रहे हो ना, ये बाबा माने को नहीं पकड़ लेगो। किशोरी जी के नेत्र सजल है गए। बोले अब या बाबा को समय आ गयो लाल जी, आपको दर्शन दे। ठाकुर जी गए सन्मुख, बोले बाबा कहा चाहिए? बोले कछु ना चाहिए, केवल हरि दर्शन की प्यासी अखियां, बस आप दोनों के युगल स्वरूप को दर्शन कर लूं, मेरो जीवन वही में ही आनंदित है जाएगा। श्याम सुंदर ने अपने हाथन से जैसे ही सूरदास जी के नेत्रन को स्पर्श किया, बोले बाबा नेत्र खोल करके देखो। जैसे ही सूरदास जी ने नेत्र खोले हैं, सामने युगल स्वरूप खड़ो भयो है। सूरदास जी पर कृपा करवे के काजे दोनों श्यामा श्याम खड़े करके मंगल दर्शन प्रदान कर रहे हैं। सूरदास जी एक एक अंग को दर्शन कर रहे हैं, आनंदित है रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं, झूम रहे हैं, गा रहे हैं, बार बार प्रणतिपात निवेदन करके प्रणाम कर रहे हैं। ऐसो सुंदर युगल स्वरूप को दर्शन करके सूरदास जी आनंदित है गए। दोनों से कही अपने बरदस्त मेरे सिर पर धर दो, अपने चरणन की रज मेरे माथे से लगाए दो और मुंह पे कृपा कर दो। कहा कृपा करें, कर तो दई दर्शन दे तो दिए। सूरदास जी बोले ना मुंह को फिर से नेत्रहीन बनाए दो, जिन नैनन में आप बस गए उन नैनन से अब दुनिया को ना देखना चाहूं मैं, आप कृपा करके मुंह को फिर से नेत्रहीन बनाए दो। ऐसी करुणामयी है श्री किशोरी जी। मोहे तो भरोसो है तेरो ही किशोरी राधे, मोहे तो भरोसो है तेरो ही किशोरी राधे। रात्रि में जब बैठे थे तो एक भैया पूछ रहे थे ना, कौन ज्यादा कृपालु है, कौन ज्यादा दयालु है दोनों में। तब तो मैं कह रहे हो कि ठाकुर जी दयालु हैं, लेकिन हार मानी हमने अपनी, किशोरी जी से बड़ो दयालु कोई नहीं। ठाकुर जी भी एक बार को विचार करें, मेरे दर्शन में विलंब है जाएगो, मेरे गुसाई जी नाराज है जाएंगे, मुते वो यो है जाएगो, लेकिन किशोरी जी और कोई की परवाह ना करें। जा पे कृपा करनी है सो कृपा करनी है, अब वहां से दर्शन में विलंब हो, गुसाई जी नाराज हो, दुनिया उलट पुलट रह जाए, चाहे ब्रह्मांड नष्ट रह जाए, लेकिन अपने किसी वैष्णव भक्त पर कृपा करनी है तो किशोरी जी विचार नहीं करते, किशोरी जी तुरंत कृपा करें। मोहे तो भरोसो है तेरो रे किशोरी राधे, मोहे तो भरोसो अष्ट सखाओं की आप समस्त पदावलियों को पढ़ना, हर अष्ट सखा के भाव को पढ़ना, उनके प्रारंभिक पद से लेकर के अंतिम पद तक पढ़ना, चाहे सूरदास, कुंभन दास, गोविंद स्वामी, छीत स्वामी, सबके पद पढ़ना। सबने अपने संपूर्ण जीवन में ठाकुर जी के रूप का वर्णन किया, ठाकुर जी की दया का वर्णन किया, ठाकुर जी के भाव का वर्णन किया, लेकिन जब आठों सखा अपने जीवन के परायण पर आए, उसके अंत पर आए, तब उनसे जब पूछा गया कि आपको जीवन अब ठाकुर जी के चरणन में विलीन है, व्यवहारो है, अपने मुख से अपनो अंतिम पद तो कछु दे के जाओ, अपनो अंतिम भाव कह के जाओ, तो आठों सखाओं ने अपने अंतिम भाव में श्री किशोरी जी को प्रणाम किया, श्री लाडली जी को प्रणाम किया, उन्हीं का वर्णन करते हुए अपने भाव को विश्राम दिया, क्योंकि आठों जानते हैं कि कृपामयी तो वही है, करुणामयी तो वही है, वही करुणा करेंगी, वही कृपा करेंगी। मोहे तो भरोसो है तेरोरी किशोरी राधे, मोहे तो भरो
किशोरी जी के मन में केवल किशोरी जी को केवल इतना पता हो, कितना पता हो कि वृंदावन में गिरधर लाल जी की सेवा होवे। अच्छा कौन करे वा सेवा को? बोले इंद्रेश नाम को एक कथा को छोटा सा वक्ता है वो करे। यदि उनके जहन में इतनो भी आ गयो ना कि कोई इंद्रेश नाम को एक छोरा है वो सेवा करे, हमारो कल्याण तो वही ते है जानो है। हमें इतना ही है जाए कि हाँ उनको पता हो कि मेरो नाम का है। लोग कहते हैं आप क्यों बार बार ठाकुर जी का नाम जप करते हो, क्यों ठाकुर जी का स्मरण करते हो? हम ठाकुर जी को स्मरण या मारे करें क्योंकि हमारे फोन पर बार बार यदि कोई मिस कॉल मारे तो हम ट्रू कॉलर पर जाके चेक करें, भाई कौन है दिन भर मिस कॉल मारते रहे, वहां को नाम आ जाए फलानो फलानो नाम है, अच्छा ये है, ये रोज रोज फोन करें। ऐसे हम रोज रोज किशोरी जी को याद करें तो किशोरी जी के पास में संकेत पहुंचता हूं कौन है रोज रोज याद करे। बोले नागपुर में राधा निवास में एक एक फलाने नाम को व्यक्ति है वो याद करे आपको। किशोरी जी वापस ज्यादा प्रसन्न भी ना हो, अच्छा तो वो है ये। बोले अच्छा बस इतनो एक बार स्मरण करके जीवन में कभी देखें भी नहीं, हम पे तो एक बार में ही कृपा है जाएगी, एक बार उनके जहन में नाम पहुंच जाए बस उन्हें पता चल जाए कि हम कोई हैं। मुक्ति भूति ना मांगत के बल, मुक्ति भूति ना मांगत के बल, अपनो जान संभालो किशोरी राधे, किशोरी राधे तेरो री
श्री किशोरी जी की ऐसी अद्भुत कृपा। ठाकुर जी के पास मुंदरी मिल गई, ठाकुर जी उदास होके वहां से चले गए। अब जैसे ही ठाकुर जी वहां से गए, ललिता विशाखा ने किशोरी जी को रोको, बोले आप नहीं जाओगे। ठाकुर जी बोले अब कहां जाऊं, क्यों ग्वाल बालन के पास गए हो तो ये सबरी जाकर के माऊं बता देंगे कि मुंदरी मेरे पास मिल गई, और यदि मैं घर गए तो मैया ते जाके बता देंगे कि याने किशोरी जी की मुंदरी चुराई। ठाकुर जी बोले ना यहां जा सके ना वहां जा सके, कहां जाएं? बोले तो सो जाओ। और महाराज एक कदंब की छांव के नीचे ठाकुर जी सुंदर सेज बना करके और वहां सो गए। ऐसे ढीठ हैं हमारे कन्हैया, चोरी पकड़ी गई है उन्हें नींद आ रही है, सो गए वृक्ष के नीचे जाके, चिंता विहीन हो गए। कोई बात नहीं, पकड़े गए तो पकड़े गए, अपने इनके बीच में ही तो पकड़ोगे, हूं कोई बाहर के इन्हें तो ना पकड़ो, सो गए। अब तो महाराज ललिता विशाखा समस्त सखियों को किशोरी जी डांट रही हैं, बोले तुमको शर्म नहीं आती है, और वो श्याम सुंदर को इतना शर्म करा दियो, ऐसी ऐसी बात उनते कह दी तुमने, बेचारे रूट के यहाँ से चले गए, चलो उनको मनावे चलो। सहचरी बोली तो किशोरी जी ने केवल भ्रगुटी टेढ़ी की, बोले समझ नहीं आ रही है बात, चलो श्याम सुंदर को श्रम कैसे भयो, वे श्रम में रहेंगे तब तक मेरा हृदय विचलित रहेगा, चलो प्रणाम करवे चलो क्षमा मांग के आएंगे। सब सहचरी इनको संग लेकर के किशोरी जी जैसे निकसी, वो तो नंद भवन को जा रहे हैं, इतने में बीच में कदंब के वृक्ष के नीचे देखो, अरे ये तो यहीं पौड़े हुए हैं। ललिता विशाखा आदि सबन के संग में गई, देखो तो श्याम सुंदर सोए, आहा कैसी सुंदर छवि ठाकुर जी की, ऐसा सुंदर श्रृंगार करके यशोदा मैया भेजा कन्हैया को, ऐसी सुंदर छवि, ऐसे सुंदर नेत्र, ऐसे सुंदर कपोल, ठाकुर जी के सर्वांगीण अंगों को दर्शन किशोरी जी कर रही हैं खड़े खड़े, इतने सुंदर इतने प्यारे लग रहे हैं ठाकुर जी। इतने में ललिता विशाखा को सूझा ऊधम, बोली सुनो सो रहे हैं, खर्रांटे और ले रहे हैं धीरे धीरे, बहुत थक रहे हैं, श्रम है क्यों? बोले कहा करनो, बोले कि अब एक काम करो, धीरे धीरे करके इनके सब सामान चोरी कर लो, जितनी सामग्री इनने पहन रखी सब उतार लो। ठाकुर किशोरी जी बोले अरे नहीं नहीं ऐसे मत करो, देखो किशोरी जी आनंद करन दो, सुख मिलेगा आपको, ले चलो सबन में, फिर आमेंगे रोते रामते आमेंगे मांगवे के काजे, तब आनंद आवेगो। सोते भय श्याम सुंदर की महाराज गले से हार उतार लिए, हाथन के कड़ूला उतार लिए, पैरन की पाजेब उतार ली, छुद्र घंटे का छोटी छोटी घंटी लगी ठाकुर जी की कमर पे, छुद्र घंटे का। अच्छा पता है आपको, श्याम सुंदर कोंधनी ऐसी साधारण कोंधनी नहीं पहनते, कैसी कोंधनी पहनते, छुद्र घंटे का छोटी छोटी घंटी लगी है उसमें कोंधनी में, क्यों? ये बचपन से ही ठाकुर जी पहने, जब ठाकुर जी थोड़ा थोड़ा चलवो सीखे तो यशोदा मैया जब यमुना जल भरवे जावे तो ठाकुर जी पल्लू पकड़ लें, अब मैं चलूंगा संग में, अभी नेक नेक चलनो सीखें। तो यशोदा मैया बोले चल आला, मैं तो मटका पकड़ूंगी तेरा हाथ पकड़ ना पाऊंगी, ले तू मेरी चुनरी पकड़ ले। सो ठाकुर जी चुनरी पकड़ करके मुंह में उंगली दबाए, चारों तरफ देखते चले और मैया के पीछे पीछे जामे। लेकिन जैसी कोई गोपी देखे कन्हैया जा रहे हैं, सो हाथ में माखन लेके आवे, लाला आजा आजा माखन खावे को, सोई वो तो मैया की चुनरी छोड़े वह गोपी के पास चले जाए, माँ बैठ के बढ़िया प्रेम से माखन काम है, मैया नेक दूर चली जाए, नेक दूर लाला कैसो, लाला कहाँ गयो, अरे मेरो लाला कहाँ गयो, वह ढूंढे सब जगह खोजे कन्हैया कहीं ना मिले। मैया दौड़ती भैया आवे संबंध पूछा, अरे मेरो लाला देखो मेरो कन्हैया देखो, इतने में कहा पावे एक गोपी की गोद में बैठ के वो तो माखन खा रहा है। मैया बोली लाला तो रोज कभी कहीं भग जाए कभी कहीं भग जाए, कहा करें। सो आज मैया लाला की कोंधनी उतार के और सुनार के पास लेके गई और बोली या मैं एक काम कर, सोने की छोटी छोटी घंटी लगा दे, क्यों? बोले जब कबू मेरो लाला या पहन के चलेगा तो घंटी इनकी आवाज आती रहेगी, मुझे पतो लगती रहेगी कि मेरो लाला कहाँ जा रहा है। आज ठाकुर जी को जन्मोत्सव, ऐसी कथा आवे
ठाकुर जी के जन्मोत्सव पे ठाकुर जी जादना 3 वर्ष के भय यशोदा मैया ने लाला को सवेरे सवेरे कोंधनी पहना दी, और कोंधनी जैसे ही ठाकुर जी ने पहनी तो यशोदा मैया के सिर पर दोनों हाथ धर के ठाकुर जी अपनी कमर को मटका में वा क्षुद्र घंटिका के स्वर पर ठाकुर जी नृत्य करें सबरे गोकुल वासिन को आनंद दे में, तो ऐसी ठाकुर जी की क्षुद्र घंटिका की कोंधनी बहु उतार ली, सबरो श्रृंगार उतार करके और अंत में वंशी भी ठाकुर जी की धर ली, और सबरी पोटली बांध करके सभी सखी किशोरी जी संग लेके चली गई। अब ठाकुर जी की नींद खुली, जैसी नींद खुली अंगड़ाई लेने लगे, बोले हाँ भाई अब चले, अब रात है गई, अब जाके माँ बढ़िया प्रेम से। जैसे ही ठाकुर जी उठे चलनो फिरनो शुरू कियो तो जितनी आवाज ठाकुर जी के चलवे में आवे पाजे बन की क्षुद्र घंटिका की कछुना आ रही है। ठाकुर जी ने जैसे नीचे देखो तो वस्त्र ने छोड़ के तो सब हरण है गयो, कोंधनी चली गई, गले की माला चली गई, पैरन की पाजेब चली गई, कड़ूला चले गए, बाजूबंद चले गए, सब ले गए। ठाकुर जी बोले ये एक को ही काम है सके, ये वही जरूर विशाखा ललता ने ये कियो होगा। ठाकुर जी पहुंच गए और चेहरे पर ऐसो आंखें लाल पड़ रही हैं क्रोध के कारण ठाकुर जी की, और गए विशाखा से जाके बोले दे दे। विशाखा बोली मुंह पे ना है। कहां ना है? बोले वही ना है जो तुम मांग रहे हो। ठाकुर जी बोले मुझे सब पता तेरे पास है, तू दे दे। बोले जब हमने प्रेम से मांगी तुमने दई, तो तेने कोई कसर भी ना छोड़ी किशोरी के सामने जो मेरी तेने भद्रा उतारी का है, वो हमें कोई कसर भी ना छोड़ी है तेने। अब दे दे प्रेम ते देख, मैया बहुत मारेगी मुंह को, तेने वो सोने की क्षुद्र घंटिका तक निकाल ली मेरी। अरे मैंने तो केवल एक मुंदरी उतारी, तेने पूरा श्रृंगार ही उतार लियो मेरो, चलना वापस दे। बोले यदि तुम नंद के लाला हो और यशोदा के छलिया हो और तुम में यदि तुम बहुत अपने आप को बहुत बड़ा कछु मानो कछु समझो तो लेके दिखाओ। ठाकुर जी बोले ये तो चैलेंज दे दियो यानी। ठाकुर जी बोले तो फिर ठीक है, हम नंद के लाला नहीं, हम यशोदा के लाला नहीं, हम नंदगाम के छोरा नहीं, यदि हमने तुम्हारे हाथन सो अपनो सारो श्रृंगार लियो नहीं तो आएंगे लौट के, बदला तो लेंगे। विशाखा बोली हाँ देख लेंगे, आ जाइयो। अब जैसे ही महाराज ठाकुर जी गए और ठाकुर जी ने जाकर के अपनो सखी वेश धारण कियो, स्वयं को सखी बनायो, अपनी धोती बगलबंदी सब उतार करके सुंदर साड़ी पहनी और जो भी सखी पहने वो सब पहनो, मांग में सिंदूर भर के सुंदर चुनरी सी लगा के मुंह में दबा करके बिल्कुल सखी रूप भेष धारण करके बिल्कुल कटीले नेत्र तो ठाकुर जी के ही श्रृंगार ऐसा सुंदर कियो। हे कृष्ण लला तुम होते लली तो गरे कट जाते करोड़न के, लाला है तो कोई कमी छोड़े ना, लाली बन जाएंगे तो काहल करेंगे, और लाली बन गए ठाकुर जी। और लाली बन करके यमुना के किनारे बैठ करके और ऐसा भाव धारण कियो, ऐसा भाव धारण कियो, जोर जोर से रोमे, आंखन से आंसू बहमे, कभी यहां गिरे हैं कभी पलंग को गिरे हैं, ऐसे गिरते पड़ते महाराज ऐसी दयनीय स्थिति बना ली अपनी। रोते रामते पहुंच गए सबरी सखीन के पास। ललिता विशाखा बोली अरी अरी बहन, अरे इतनी गिरती पड़ती आ रही, अरी बहन कौन है बहन, जाके संभालो। ठाकुर जी बोले मैं कृष्ण विरहणी हूँ, कृष्ण विरह में व्याप्त हूँ, जब तक कन्हैया को दर्शन ना होगो मेरो मन ऐसे विचलित रहेगो, मुझको श्याम सुंदर के दर्शन कराओ, अरे कोई नंद नंदन के दर्शन कराओ, अरे कोई भाई यशोदा नंदन के दर्शन कराओ, यदि मुझको दर्शन नहीं भयो तो आज ही प्राण निकल जाएंगे। ऐसे रोमे ललिता विशाखा के कंधा पे सिर धर धर के रोमे ठाकुर जी। अरे बात छलिया के चक्कर में काई को पड़ गई तू, वो तो ऐसा है वैसा हो, बाकी बुराई मैं बुराई ना सुन सकूं, मोते मत करो नहीं तो मेरे प्राण निकल जाएंगे, मुकु श्याम सुंदर के दर्शन कराओ, अरे कोई कोई तो लियाओ मेरे सामने, कृष्ण नाम जबते श्रवण सुनो री आली भूरी री भवन में तो बाबरी भई रे। अपने ही भाव को स्वयं ठाकुर जी जो उनके विरह में होता है वही ठाकुर जी अपने ही विरह में रुदन कर रहे हैं, रुदन कर रहे थे।
ललिता विशाखा बोली, भैया आपकी स्थिति तो बहुत दयनीय है, नेका देर में आगे प्राण निकल जाएंगे, यदि कोई आपको दर्शन नहीं कराया तो कहा करें। इतने में ललिता बोली, बोले एक युक्ति है। बोले कहा, कन्हैया को पूरा श्रृंगार धरो हमारे पास। बोले हाँ, किशोरी जी को आज श्याम सुंदर बना दें, संपूर्ण कन्हैया को श्रृंगार आज किशोरी जी को चढ़ा करके और उन्हीं को श्याम सुंदर बना करके या की बिचारी के प्राण बचा लेंगे ये कृष्ण बीरेन। अब कन्हैया कौन पकड़ के लाबू, तो वैसे ही रूठो बैठो हम ते, कन्हैया तो ला ना सके, आज किशोरी जी को श्याम सुंदर बना मैं। और महाराज समस्त गोपी गई और जाकर के वो सबरी पोटली खोली, ठाकुर जी को सबरो श्रृंगार निकालो, किशोरी जी से बोली आओ बैठो, और सबरे महाराज वस्त्र नीचे पजम्मी पहनाई, ऊपर बगलबंदी पहनाई, और बना करके पूरा कृष्ण स्वरूप धारण करायो, किशोरी जी को टिपारो जैसे ही धरायो है सिर पर, जैसे कन्हैया अपनो स्वरूप धारण करें वैसो स्वरूप श्री किशोरी जी को धारण करायो है समस्त गोपी ने। आहा, जैसे ही किशोरी जी अपनो रूप धारण, मतलब ऐसा किशोरी जी ने जब कृष्ण स्वरूप धारण कियो तो उनको देख करके मानो ऐसा लग रहा है कि आज श्याम सुंदर गौर सुंदर है गए। श्याम सुंदर को जो रंग है, जो श्याम वर्ण है, वही गौर वर्ण है गए हो, इतने सुंदर किशोरी जी लग रही। कोई भेद तो वैसे है ना, दोनों एक से ही दिखे, बस वो श्याम है ये गौर है। लेकिन उनको देख करके ललिता विशाखा भी एक दो बार स्वयं को संभाल रही है, अरे अरे बहन देखियो मुंह को तो मूर्छा आ रही है, किशोरी जी इतनी सुंदर लग रही हैं, इतनी बढ़िया लग रही हैं, अरे या स्वरूप को धारण करके श्याम सुंदर के सामने चली जाए तो श्याम सुंदर भी मूर्छित है कि गिर जाएगा, ऐसा सुंदर स्वरूप। जैसे ही किशोरी जी श्याम सुंदर को स्वरूप धारण करके भवन से निकली, सामने कन्हैया गोपी बने बैठे, अरे मेरे कन्हैया दिखा दो, मैं कन्हैया के बिरहणी और ऐसे रोमे। जैसे किशोरी जी आई, ललिता विशाखा, अरे चल रोवे मत, देख ले, देख आ गए श्याम सुंदर। जैसे ही श्याम सुंदर ने किशोरी जी को अपने भेष में देखो, आह नृत्य करने लगे। कृष्ण दरस सोवट की ग्वालिने, कृष्ण दरस सोवट की ग्वालिने, कृष्ण दरस सोवट की ग्वाल, कृष्ण दरस सोवट की ग्वाल, कृष्ण दरस सोवट की ग्वाल, बार बार पन घट पे सामने खड़ी हैं, और गौर सुंदर के हाथ में अपनी वंशी देख करके, माथे पर मोर मुकुट देख करके, छत्र घंटिका देख करके, पावन में पाजेब देख करके, मानो कन्हैया भी एक बार उसको भूल गए हों कि मैं कृष्ण हूँ, स्वयं गोपी भाव में प्रकट होकर के चारों तरफ नृत्य कर रहे हैं, किशोरी जी को ही कृष्ण रूप में देख करके आनंदित हो रहे हैं। मनमोहन को रूप सुधार
होकर के चारों तरफ नृत्य कर रही है। अरे श्याम सुंदर, अरे नंद नंदन, अरे यशोदा नंदन, अरे ब्रज उर चंदन, मैं तो तुम्हारे दर्श के काजे कब से भटक रही हूं, मेरे प्राण कर जाएंगे कन्हैया आके मुख हृदय से लगा लो। ऐसा कहकर के जब विरह भाव में आई वह गोपी, कृष्ण रूपी गोपी, इतने में किशोरी जी दौड़ करके गई और जाकर के वह गोपी को कृष्ण भाव से जैसे हृदय से लगाया। ठाकुर जी बहुत देर तक तो हृदय से लगा करके रहे, लेकिन जैसे ही नेत्र खुले सामने ललिता विशाखा दिखी और ठाकुर जी को याद आ गयो इनने जो बात कही थी कि तुम श्रृंगार लेके दिखाओ तो हम जाने तुम नंद नंदन के लाला हो, तुम यशोदा के लाला हो। ठाकुर जी ने किशोरी जी को एक हाथ से पकड़ो, यहाँ से मुकुट उतारो, दूसरे हाथ से हाथन के गले के सबरे श्रृंगार उतारे, छुद्र घंटे का खींची, सबरे पाजेब लेकर के और अपनों सिर से घूंघट हटाए करके विशाखा से बोले, ले ले लेकर के जा रहे हैं अपनों श्रृंगार और तू रोक के दिखा। ललिता विशाखा पीछे पीछे दौड़ी, श्याम सुंदर लेकर के अपनों श्रृंगार दौड़ करके भागन लगे नंद भवन की ओर। लेकिन किशोरी जी को तो वही रूप, वही भाव, वही स्वरूप और ठाकुर जी के चित्त में बस गए। ऐसा भाव हम सुने कि ठाकुर जी कभी कभी कुंज में विराज करके किशोरी जी को श्रृंगार करें, किशोरी जी ठाकुर जी को श्रृंगार करें। ये श्रृंगार में कहा करें, यही करें ठाकुर जी किशोरी जी को श्याम सुंदर बनावे और श्याम सुंदर किशोरी जी को, ठाकुर जी किशोरी जी को श्याम सुंदर बनावे और किशोरी जी श्याम सुंदर को श्री किशोरी बनावे और दोनों एक दूसरे को भाव, एक दूसरे को श्रृंगार, वही सब धारण करके संपूर्ण लीला को संवरण करें और यही से हम सबन को सुख प्राप्त हो गए। ऐसी ये ठाकुर जी की निभृत निकुंज की लीला है। आप कहेंगे यहां तो ललिता विशाखा भी है। ललिता विशाखा बाह्य रूप से है लेकिन किशोरी जी की मनोदशा और ठाकुर जी की मनोदशा जो है वो निभृत निकुंज की है। किशोरी जी के संग में ठाकुर जी कछु भी करें लेकिन किशोरी जी वहां में उनके सुख को विचार करें, ठाकुर जी उनके सुख को विचार करें, यही निभृत निकुंज है। निभृत निकुंज में मानव हम प्रवेश कर नहीं सकते और करने का प्रयास करना भी नहीं चाहिए। निभृत निकुंज का तो केवल दूर से दर्शन हो जाए, उसका अनुभव हो जाए। ठाकुर जी कछु बतियाए हैं किशोरी जी से, आपको वो खुसुर पुसुर केवल अनुभव है जाए बस। वहां में ज्यादा प्रवेश को विचार मत करो। ठाकुर जी की कृपा है कि आपको यहां तक भी आने को अवसर मिल रहे हो है, लेकिन वहां के भीतर प्रवेश हमको मिले वहां को भाव मत रखो। कुंज में रहें, निकुंज में रहें, परंतु निभृत निकुंज में तो केवल श्यामा श्याम रहें। वो उनके सुख को भाव है, वा को विचार करो और वही विचार से श्री किशोरी जी को श्याम सुंदर को मनाओ। हमारे ब्रज के अनन्य रसिक श्री हरिराम व्यास जी गाते हैं, चरणन की रज पांग किशोरी, चरणन की रज पां, चरणन की रज पां किशोरी, चरणन की रज पां। हरिराम व्यास जी उस स्थिति के थे, वे चाहते तो ये भी कह सकते थे श्री किशोरी तेरे चरणन को पाऊं, चरणन ने पावे को अधिकार हमारो है ही ना है। किशोरी जी के स्पर्श को भाव हम पे है ही ना है। किशोरी जी की तो केवल छाया पड़ जाए हम पर, किशोरी जी की तो चरण रज केवल उड़कर के माथे से लग जाए, अंग को स्पर्श कर ले, वही में हमारा सुख है। चरणन के स्पर्श को सुख, किशोरी जी के किसी भी प्रकार से स्पर्श को सुख, वो तो केवल कन्हैया को सुख है।
वाय हम ना ले सके। निवृत निकुंज में स्पर्श है, वहां केवल श्याम सुंदर का है। कुंज के और निकुंज के भाव में तो किशोरी जी को केवल छाया पड़ जाए, किशोरी जी हमको देख के मुस्कुरा जाए, किशोरी जी की दृष्टि पड़ जाए, वही में प्रसन्न है। श्री हरिराम व्यास जी इस पद के भाव के पहले भाव में ही कह देते हैं, हमको किशोरी जी के चरण नहीं चाहिए। क्यों? संसार के माया मोह क्रोध जाल जंजाल आदि इन सबसे हमारा हृदय इतना निष्ठुर हो चुका है कि किशोरी जी के चरण यदि प्राप्त हो भी गए तो हमारा स्पर्श पाकर के किशोरी जी के चरणन को कष्ट ही होने वाला है। हम या लैला मजनू वाले संसार के लोग, इस निष्ठुर संसार में रहने वाले लोग अपने निष्ठुर कर कमलंते, अपने निष्ठुर भाव से किशोरी जी को स्पर्श करवे जाएंगे, उनको श्रम प्रदान करेंगे। इसलिए श्री हरिराम व्यास जी कहते हैं, चरणन की रज पाऊं किशोरी तोरे, चरणन की रज करता हूं। कई लोग पूछते हैं कि हमको ब्रजवास चाहिए, कैसे मिले? अष्ट सखाओं के और कुछ रसिकाचार्यों के ऐसे ऐसे पद हैं, यदि इनको आप नित्य क्रम में गाना शुरू कर दो ना, किशोरी जी की कृपा से ब्रजवास मिल जाए। आज लाल जी को ब्याह लो भयो, तो
हमारे लाला की सबरी कहा कहूँ साली कहूँ सबरी कहा के साली तो क्या हमारे यहाँ तो साली के हाँ किशोरी जी की सब बहन है तो सब साली भाई सबन ने काम मांगो बोले हमें बधाई में दीजो श्री ब्रजधाम ब्रजधाम मांगो तो ब्रजधाम यदि चाहिए तो या पद को अपने जीवन में सुबह शाम नित्य या पद को स्मरण करते रहो किशोरी जी कृपा अवश्य करेंगे ब्रजधाम मिल ही जाएगो ये बधाई है ले लो जाके ओ चरणन की रज पाऊं किशोरी तोरे चरणन की रज पाऊं चरणन की रज पाऊं किशोरी तोरे चरणन की रज पाऊं व्यास श्री किशोरी जी दयालु हैं आज के भाव में मुदरी चोरी लीला और उसमें श्री किशोरी जी का जो प्रेम भाव ठाकुर जी के प्रति है तत् सुखे सुखित्वम उसका भाव कृपालुता का भाव इन सब का अनुभव ठाकुर जी के और किशोरी जी के मध्य में हमने श्रवण किया। बंधुओं किशोरी जी के भाव में कुछ कहने में हल्का सा पता नहीं क्यों कुछ संकोच जैसा अनुभव होता है नित्य ही खुल करके उस भाव को प्रकट करना इच्छा तो बहुत होती है मैं स्वयं भी कई बार बहुत खोल देता हूं तो स्वयं को प्रयास करता हूं नहीं अभी इतना नहीं इतना ही बहुत है पता नहीं क्यों ये भाव समस्त ब्रजवासियों के भीतर ही है ब्रज में जिसका जन्म ना भया हो ब्रज का जो ना हो अब आकर के ब्रज में रह रहे हो या ब्रज का भाव रखते हो वो किशोरी जी का भाव खूब कहते हैं लेकिन ब्रजवासी किशोरी जी के ज्यादा भाव का वर्णन उतनी स्वच्छंदता से करते नहीं सूक्ष्म भाव से करते हैं क्योंकि कई भाव ऐसे किशोरी जी के प्रकट होते हैं कि उनको ऐसा लगता है कि ये तो अपने तक ही सीमित रखा जाए इसको सबके सन्मुख प्रकट ना किया जाए और यही भाव उनकी सुख का भाव है किशोरी जी के सुख का भाव तो यथावत जितना प्रकट हो रहा है ना मुझे उसमें संतोष है कि किशोरी जी जितना प्रकट करा रही हैं वही भाव से ही आनंद है बाकी लाल जी के तो भावन की झड़ी लगी भई है हम
लाल जी के हेते भाई भी अपनी लाल जी के देखो किशोरी जी के भाव में खूब निंदा उ कर दें बेचारे चोरों बना दें कैसी कैसी हालत उनकी कर दें कथा में, लेकिन किशोरी जी के सन्मुख ठाकुर जी को ये भाव सदा रहवे ही है। सदा किशोरी जी के सन्मुख ऐसे ही भाव से रहे कि किशोरी जी उनकी भी स्वामिनी बन के रहे, उनके समस्त सखी सहचरियां भी ठाकुर जी को डांटे फटकारे रुवा दें वासु ठाकुर जी को कोई संकोच ना हो, यही भाव से सही किशोरी जी के दर्शन तो होंगे, किशोरी जी को सानिध्य तो प्राप्त होंगे। तो इन्हीं भावों के संग हम आप सब लोग आनंद ले रहे हैं ठाकुर जी के मंगल प्रसंगों का, किशोरी जी के मंगल भाव का। चार दिन का ये भाव, अब दो दिन और रह गए हैं, दो दिन तो आप लोगों ने निकाल लिए, जैसे तैसे दो दिन और निकाल लिए, दो दिन का भाव और शेष है। किशोरी जी के श्री चरणों में हम बारंबार प्रणाम करें। नेक नेक किशोरी जी प्रवेश करा रही हैं, व्रत तक भी लेके आ गई हैं, आगे किशोरी जी जैसो भाव रखें वहाँ तक प्रवेश कराएं। इसी भाव के साथ आज के इस विषय को विराम देते हैं, आज के ठाकुर जी के किशोरी जी के मंगल प्रसंग को अब पौढ़ा देते हैं, उनको शयन में भेज देते हैं। कल ठाकुर जी को कहा है नौका विहार, अपने भाव से ठाकुर जी कल नौका विहार करेंगे, फिर यहाँ पर भी नौका विहार का कुछ ना कुछ भाव प्रकट होगा। किशोरी जी के संग ठाकुर जी को नौका विहार कैसो रहे इस विषय पर कल चर्चा होगी, उसी विषय का भाव सुनेंगे। हो मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, मन भूल मत जइयो श्यामा प्यारी के चरण, मन भूल मत जइयो श्यामा प्यारी के चरण, राधा रानी के चरण श्यामा प्यारी के चरण, राधा रानी के चरण श्यामा प्यारी के चरण, चरण राधा रानी के चरण श्यामा प्यारी के चरण, मेरे मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, मेरे मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, मन भूल मत जइयो राधा श्यामा प्यारी के चरण, राधा रानी के चरण श्यामा प्यारी के चरण, राधा रानी के चरण श्यामा प्यारी के चरण, राधा रानी के चरण श्यामा प्यारी के चरण, मेरे मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, मन भूल मत जइयो ठाकुर की बाकी ठकुरानी के चरण, बाके ठाकुर के बाकी ठकुरानी के चरण, क्या नहीं भूलना है ठाकुर जी की बाकी अदा मत भूलो और किशोरी जी के चरण मत भूलो, बाके ठाकुर की बाकी ठकुरानी के चरण, बाके ठाकुर की बाकी ठकुरानी के चरण, मेरे मन
किशोरी सुनी कैया होते भोरी कृष्ण भानु की किशोरी सुन गैया होते भोरी है मैया लाली गैया उत भोरी है ऐसी सीधी सादी भोरी सी कालो कलूटो हमारो आज घोड़ा पे बैठ के आओ ब्याह कर लियो वृषभानु की किशोरी सुनी गैया होते भोरी वृषभानु की किशोरी सुन गैया होते भोरी प्रीत जानहु के ठोड़ी तोहे राखेगी शरण प्रीत जानहु के ठोड़ी तोहे राखेगी शरण प्रीत जान के हु ठोड़ी तोहे राखेगी शरण प्रीत जान के हु ठोड़ी तोहे राखेगी श्याम उर हेर राधे 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 फेर जाके श्याम उर हेर राधे 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 फेर करे बांसुरी में बेर बेर नाम में रमण करे बांसुरी में बेर बेर नाम में रमण मन भूल मत जइयो राधा जाकी महिमा रस खान भक्त प्रेम ने बखानी जाकी महिमा रस खान भक्त प्रेम ने बखानी जाकी महिमा रस खानी भक्त प्रेम ने बखानी जाकी महिमा रस खानी मिले भीख मन मानी करे प्यार से वर मिले भीख मन Yeah.
श्री वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रमण लाल की, श्री राधा वल्लभ लाल की, श्री वृषभान दुलारी की, बोलो वृषभान के जमाई की जय। जय जय श्री राधे। प्रेम और भाव से आपको यह की कथा पता है, वृषभानु की जमाई की जय। श्री जी बाबा नीची नजर करके बैठे हुए, अब वो नीची नजर है इनकी, यूं ही खड़े रहे। तो ब्रजवासी ने जाके खूब जय जयकार बोली, ठाकुर जी ऊपर देखे ही नहीं, तभी बोले बोल वृषभानु की जमाई की जय। सोई ठाकुर जी बोले, भाई कौन आयो भीड़ में, जो जाए ये पता हो कि हम ब्रजभानु की जमाई है। सो ठाकुर जी ने नेत्र ऊपर कर लिए, दर्शन कर दिए, सब ब्रजवासी आनंदित है गए। तब से ये गोपनीय जय जयकार है, बोल वृषभानु के जमाई की। जैसे ही कोई या बात को कहे तो ध्यान ना दें हम लोग, लेकिन ठाकुर जी एक बार को ऊपर जरूर देखें, देख करके फिर नीचे कर लें। तो ये प्रिय जय जयकार है ठाकुर जी को बारंबार। सबको बहुत बहुत प्रणाम। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। कल पुनः मिलेंगे शाम 4 बजे से सुंदर ठाकुर जी की, किशोरी जी की लीलाओं के सन्मुख हम सब विराजेंगे। सब लोग प्रेम और भाव से पधारेंगे। अभी लाल जी की आरती होगी, आप सब लोग दर्शन करें, फिर सब प्रस्थान करेंगे। जन्म सफल होगा रे बंदे, गिरधर लाल तू गाने राधे राधे तू गाने। ओ जन्म सफल